फर्क 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 ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क ये पड़ता है कि जितने सफल हो सकते थे उतने सफल हैं। लिटिल सैक्रिफाइसेस गिव्स यू सक्सेस। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दो काम है। 99% लोग अर्जेंट काम करते हैं, 1% लोग इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ये 1% लोग हैं जो दुनिया को रूली करते हैं। Of your time to 80% people and 80% of your time to 20% of the people. For some people, they are the best of the time. For some people, this is the worst of the time. So answer is that life is a struggle to keep that at a respectable distance. People are not assets. Only good people are assets. Rest are all liabilities. उसको पता है कि life results are rewarded, efforts are not. जीवन की पहली क्वालिटी ये है कि रात को जागे भी सही में थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ जाते हैं। कितना दबाव, कितना दबाव, इतने तुम तो तुम्हें जब इसका वैल्यू कम नहीं हो रहा साला, तुम्हारा वैल्यू किसी का बाप कम नहीं कर सकता। जिंदगी में कभी कंपेयर मत करना अपने आप को किसी के साथ। सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल चैंपियंस। आई होप सो कि मेरा आवाज सब लोगों को आ रहा होगा। सो दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूँ इस संडे के ब्लॉकबस्टर इवेंट के अंदर, जहाँ पे आज का जो सेशन होने वाला है ये आप सब लोगों के लिए वन ऑफ द लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है दोस्तों। क्योंकि आज के इस मीटिंग के अंदर मैं आज सब लोगों को यहाँ पे इन्वाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के इस मीटिंग के अंदर दोस्तों आपको एक ऐसे कंसेप्ट को सुनने का मौका मिलेगा
जिस कंसेप्ट के ऊपर वर्किंग करके आज किस तरीके से हम सब लोग अपने घर के अंदर बैठ के अपनी खुद की एक नई इनकम को स्टार्टअप कर सकते हैं, इसका एक रास्ता आपको इस मीटिंग के अंदर मिलने वाला है। तो आज का जो मीटिंग है आप सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ छोटी मोटी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से करना चाहूंगा, जिसके अंदर मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट ये रहेगा दोस्तों कि आप सब लोग बहुत ज्यादा लकी हो, आप सब लोग बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि यहाँ पे हजारों लोगों ने अप्लाई कर चुके थे, वहां पे आप कुछ चुनिंदा लोग जिनको इस मीटिंग को यहाँ पे अटेंड करने का मौका मिल रहा है। तो सबसे फर्स्ट रिक्वेस्ट आपको यही रहेगी कि किसी एक ऐसे जगह पे जाके बैठ जाइए जहां पे आने वाले 40 मिनट के अंदर आपको इस प्रॉपर प्रेजेंटेशन को देखने का मौका मिले, क्योंकि दोस्तों इस मीटिंग को सिर्फ देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस मीटिंग को प्रॉपरली समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो मीटिंग है इसके अंदर आपको एक लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। तो इस मीटिंग के अंदर प्रॉपरली एक जगह पे जाके बैठ जाइए जहां पे आने वाले 40 मिनट तक आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। हाँ दोस्तों, मेरा सेकंड रिक्वेस्ट आप सब लोगों से ये रहेगा कि अगर आपने इस मीटिंग के अंदर एंटर किया है तो आने वाले 40 मिनट तक किसी भी कॉल या फिर किसी भी मैसेज को रिसीव मत करना है दोस्तों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपका 2 मिनट का पार्ट भी अगर इस मीटिंग का मिस हो गया तो शायद आपके लाइफ के अंदर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपका मिस हो जाएगा, और शायद आप अगर आप उसको फिर से रिपीटली ना देख पाए तो आपके हाथ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिस आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे आने वाले 40 मिनट तक किसी भी कॉल या फिर मैसेज को रिसीव मत करना। और मेरा थर्ड रिक्वेस्ट आप सब लोग ये रहेगा दोस्तों कि अगर आपने इस मीटिंग के अंदर भी एंटर किया है तो इस मीटिंग को आखिर तक जरूर अटेंड करना है, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर आपको बहुत सारे सरप्राइजिंग गुड न्यूज को सुनने का मौका मिलेगा, जिस गुड न्यूज के बाद में आपको यहाँ पे इस बिजनेस को कैसे शुरू करना है और आप भी अपने घर के अंदर बैठ के इस बिजनेस के थ्रू एज अ हजारों लाख रुपए की इनकम को कैसे जनरेट कर सकते हो, ये आपको जानने का मौका मिलने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इस मीटिंग को आपको आखिरी तक जरूर अटेंड करना है, क्योंकि किसी भी मूवी का जो क्लाइमैक्स होता है वो मूवी के आखिरी के 10 मिनट के पार्ट के अंदर होता है। तो ये जो लाइव मूवी यहाँ पे चलने वाली है दोस्तों, इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है इस आखिरी के 10 मिनट के पार्ट के अंदर होने वाला है, क्योंकि आखिरी के 10 मिनट के पार्ट के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे लोगों को सुनने का मौका मिलेगा जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्किंग करते हुए आज अपने घर के अंदर बैठ के अपनी खुद की एक नई इनकम को स्टार्टअप कर चुके हैं दोस्तों। सो ज्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोगों के सामने अभी मैं एक ऐसे पर्सन को इन्वाइट करने जा रहा हूँ जिनको सुनने के लिए आज आप इस मीटिंग के अंदर आए हो दोस्तों। एक ऐसे पर्सनैलिटी जिन्होंने अपने लाइफ के अंदर एक जीरो से अपनी जर्नी की शुरुआत की थी और आज के डेट के अंदर यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के तौर पे 25 साल के अंदर वो सारी सक्सेस को हासिल कर चुके जो एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ के अंदर चाहता है। तो आज ये उनकी तरफ से आपको डायरेक्टली जानने का मौका मिलेगा कि उनका पास में ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर काम करके पिछले इस एक साल के पैंडेमिक के अंदर किस तरीके से उन्होंने अपने आप को ग्रो किया, उन्होंने लाखों लोगों की लाइफ के अंदर किस तरीके से कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दिया जिसकी वजह से आज लाखों लोग अपनी लाइफ के अंदर अपने घर के अंदर बैठ के किस तरीके से अपनी इनकम को जनरेट कर पा रहे हैं। और आपके पास में ऐसा कौन सा मौका यहाँ पे आ सकता है जिस मौके के ऊपर जिस कॉन्सेप्ट पर वर्किंग करते हुए आप भी अपने घर के अंदर बैठ के किस तरीके से अपने खुद की एक नई इनकम को स्टार्टअप कर सकते हो, आज उनकी तरफ से आपको जानने का मौका मिलेगा। तो आप सब लोग की इसी एक्साइटमेंट के साथ में इसी जोश और जुनून के साथ में मैं डायरेक्टली आप इन्वाइट करने जा रहा हूँ द जो स्टॉक स्पीकर वन एंड ओनली मिस्टर किरण गड़ाख सर को। सो वेलकम सर, हम सब लोग बहुत एक्साइटेड आपको सुनने के लिए और उस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए जहां से हम अपने घर के अंदर बैठ के अपनी एक्स्ट्रा इनकम को स्टार्टअप कर पाए। सो वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। सो हेलो एवरीवन, किरण गड़ाख दिस साइड, और आने वाले 45 मिनट हम लोग साथ में है और मेरी आवाज सब लोगों को क्लियर है? सो थैंक यू सो मच, और अपन स्टार्ट करने वाले हैं सेशन को आने वाले 45 मिनट। यस, मेरी आवाज क्लियर है सारे लोगों को? ओके, नाउ क्लियर। सो स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस सेशन के अंदर में, और हम लोग आने वाले हैं 40 to 45 मिनट कनेक्टेड है इस बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर में। मैं आपको बता दूं, अगर आप 45 मिनट इस सेशन को देने वाले होंगे तो ही आप इस बिजनेस सेशन को अटेंड करें, ताकि फिर आपको सारी की सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आए और आप जाते समय यहां से वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन नहीं तो इस बिजनेस के बारे में, इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज लेके जाए। मेरा नाम किरण हुआ, रहने वाला पुणे से हूँ। प्रोफेशन के अंदर मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूँ और
आज एग्जैक्टली 13 महीने पहले मुझे मेरे दोस्त ने किसी ऐसे एक प्रेजेंटेशन के अंदर मैं इनवाइट करा था ये बोल के कि चल किरण तू तेरी एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स शुरू कर सकता है अपने घर से, जहां पे तू अपना समय पार्ट टाइम के अंदर में कहीं और लगा रहा है वहां से तू इस बिजनेस की शुरुआत कर सकता है। मैंने उसके ऊपर विश्वास करा पिछले 13 महीने पहले, जनवरी 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, और पिछले 13 महीने के अंदर में मेरी लाइफ के अंदर में फाइनेंशियली एज वेल एज बहुत सारी चीजों के अंदर में चेंज आया है, वो आगे जाके मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट मैं चाहता हूँ कि आने वाले 45 मिनट आप यहाँ पे मेंटली एज वेल एज फिजिकली प्रेजेंट रहे, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहली चीज, स्वागत करता हूँ मैं आप सब लोगों का आज के इस प्रेजेंटेशन के अंदर में, और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपने सारे मोबाइल्स को साइलेंट करके रखिएगा ताकि फिर आप यहाँ से बहुत सारी चीजें ग्रैब कर पाएंगे जैसे कि शुभम जी ने आपको बताया। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने माइंड को ओपन रखिएगा, क्योंकि मैंने कहीं पर सुना था दिमाग और पैराशूट ये दो चीजें ऐसी है जो खुली होती है तो काम अच्छा करती है, और आपका अगर दिमाग 100% एक्सेप्टेंस मोड पे है, आपके दिमाग अगर 100% एक्सेप्टेंस मोड के ऊपर है तो 101% आप यहाँ से बहुत सारी चीजें लेके जा पाएंगे, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप हमसे पूछ रहे होंगे कि हू वी आर, हम लोग कौन है। मैं आपको बता दूं, हम लोग टीम सोनू शर्मा का पार्टी, जितने भी सारे स्टेज के ऊपर में आपको लोग दिख रहे हैं ये इस टीम के जो रिप्रेजेंटेटिव है, और ये टीम सोनू शर्मा का पार्टी। हु इज टीम सोनू शर्मा? टीम सोनू शर्मा एक यंग एंटरप्रेन्योर्स और ऑल ओवर इंडिया के अंदर में एक ऐसी टीम है जो लोगों को सपने कंप्लीट करने का, लोगों को गाइड करने का, लोगों को सपोर्ट करने का काम कर रही है। आज हमारे पास में दो मेन मोटो है आपके लिए। सबसे पहली चीज, आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर में आप अपने आप को डेवलप करते हुए, इस बिजनेस को समझते हुए 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पर कैसे पहुंच सकते हैं, इसका रोड मैप हम आपको देंगे, और उसी के साथ साथ में आप अपने आपके सेल्फ एजुकेशन को अपने आप को डेवलप किस तरीके से कर पाएंगे, इन सारी चीजों को हम सीखने वाले हैं, इन सारी चीजों को हम जानने वाले हैं। ये दो मेन मोटो आज के पूरे प्रेजेंटेशन के रहेंगे। आगे लेके चलता हूँ, सोनू शर्मा सर कौन है। सोनू शर्मा सर आज एक मोटिवेशनल स्पीकर है, लीडरशिप कंसल्टेंट है, बिजनेस कोच है, और आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर में आज लोगों को गाइड करने का, कोच करने का, और आज 7 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर है सर के पास में, और आज लाखों लोगों की जिंदगी के अंदर में इन्होंने परिवर्तन लाया इंडिया के अंदर में। एजुकेशन फील्ड का वन ऑफ द फाइनेस्ट यूट्यूब चैनल सर का है, जहां पे आज आप में से बहुत सारे लोगों ने सर की वीडियोज को देखा होगा, सर की वीडियोज को अपने स्टेटस पे भी रखा होगा, और बहुत सारी बार में आपने उनसे इंस्पिरेशन लेके अपनी जिंदगी के अंदर में एक नई शुरुआत भी करी होगी। हाँ दोस्तों, मैं नाम उन्हीं का बता रहा हूँ, सोनू शर्मा सर। सोनू शर्मा सर रीजन बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनके अंदर मैं एज ए ट्रेनर काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनका कॉर्पोरेट का जो अपना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है जो इनिशियल लेवल पे अपनी लाइफ की जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस के अंदर में, उन सारे लोगों को गाइड करने का, उन सारे लोगों को ट्रेन करने का, उनके एक्सपीरियंस के द्वारा उनके पिछले लाइफ के अंदर में जितनी भी चीजें उन्होंने सीखी है इस इंडस्ट्री के बारे में, उन सारी चीजों को डायरेक्टली मेंटोर करते हैं सोनू शर्मा सर, राइट। आगे देखिए चलते आपको, अब सिंपल बात है, मैं आपको बता दूं इस बिजनेस प्रेजेंटेशन का मोटो ये होगा कि आपके पास में जो भी छोटे मोटे सपने हैं उन सपनों को कंप्लीट करने का आपको एक रास्ता, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। हर किसी के पास में इन 4 में से कोई ना कोई एक सपना होगा, जिसके अंदर में सबसे पहले सपने की अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छा घर, चाहे वो अपना पसंदीदा घर हो सकता है, दूसरी चीज एक पसंदीदा कार, अपने जिंदगी के अंदर में एक अच्छी सी कार, एक ट्रैवल द वर्ल्ड दुनिया को घूमना, या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर योर फैमिली, फॉर योर ओन सेल्फ, अपने लाइफ के अंदर में फाइनेंशियल फ्रीडम को चूज करना। मैं आप लोगों में से जानना चाहता हूँ कि आप में से यहाँ पे 1000 लोग हमें जूम पे सुन रहे हैं और 500 से ज्यादा लोग हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप सब लोगों में से किसकी कौन सी प्रायोरिटी है, व्हाट्स योर बिगेस्ट ड्रीम, आपकी जिंदगी का वो सबसे बड़ा सपना कौन सा है। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आज तक हमारी मम्मी ने हमारे कॉलेज के अंदर में या फिर कहीं पे भी हमारे सपने के बारे में बात नहीं करी, आज एक सूटबुक के अंदर में 20-25 साल का लड़का टीप आज स्क्रीन पे आके पूछ रहा है कि व्हाट्स योर ड्रीम। मैं सच में पूछना चाहता हूँ, बिकॉज आज तक हमें कभी भी, हम इस दुनिया के अंदर में आए हैं तो काम एक ही करेंगे दोस्त, वो है सपने कंप्लीट करना। चॉइस आपकी है कि आप अपने खुद के सपने कंप्लीट करेंगे या फिर किसी और के, चाहे आपके खुद के सपने कंप्लीट करेंगे या किसी और के, बट काम तो एक ही करना पड़ेगा, वो है सपने कंप्लीट करना। जब मुझे समझ में आया था इस लाइफ के अंदर में कि आई एम हियर टू कंप्लीट माय ड्रीम्स, और मैंने बोला किसी और के सपनों को काम करने से अच्छा मैं मेरे लिए क्यों ना काम करूं, और इन चारों में से आपके कौन सा ऐसा मेजर ड्रीम है जो आप अपनी जिंदगी के अंदर में बहुत जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, कि ऐसा कौन सा सपना है जिस सपने के साथ में आप इमोशनली अटैच है। अगर इसमें से कोई भी सपना आपके पास में है तो मुझे उस प्रेजेंटर ने बोला था कि किरण तू उस प्रेजेंटेशन के अंदर में उन सपनों को, जो तूने सपने अपनी लाइफ में देखे होंगे, उन सारे सपनों को जो उसने उसके टाइम में किया, हाफ टाइम में वो अपने
को सिखा के उन सपनों तक पहुंचाने का एक रास्ता देगा। आपकी कैपेबिलिटी रहेगी, आपका एजुकेशन रहेगा, आपकी ये मेहनत रहेगी, आपके एफर्ट्स रहेंगे, बट आपको एक रास्ता दिया जाएगा कि जहां तक बहुत सारे सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो इन सपनों तक पहुंच चुके हैं, आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं, इसका एक रास्ता दिया जाएगा। आगे लेके चलता हूं मैं आपको। हर किसी के पास में सपने हैं और सपनों का जो सर्कल है वो बहुत बड़ा है। अगर हमारी ड्रीम लिस्ट निकाली जाए तो शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे ड्रीम्स हमारे और आपके पास में होंगे। बट अब एक दूसरी चीज को यहाँ पे देखते हैं, जो आपको इनकम का गोल दिखाया जा रहा है। योर इनकम इज स्मॉल रादर देन योर गोल्स। आपके सपने जो है वो बहुत बड़े हैं, बट उसके कंपैरेटिवली आपकी इनकम और हमारी इनकम जो है बहुत छोटी होती है। और हम क्या करते हैं, हम अपने सपनों को भी इनकम की वजह से छोटा कर देते हैं। यहाँ पे एक लाइन बहुत अच्छे तरीके से लिखी है, इंस्टेड ऑफ लोअरिंग योर ड्रीम्स ड्यू टू इनकम, इंक्रीज योर इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम्स। आपके सपने आपके इनकम की वजह से छोटे करने के अलावा आप अपनी इनकम को बढ़ाइए और अपने सपनों को कंप्लीट करिए, क्योंकि ड्रीम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम। आपका हर एक सपना आपकी इनकम के ऊपर में डिपेंड करता है। जब मैं बात कर रहा हूँ इनकम की, तो आगे स्लाइड में बताऊंगा मैं आपको कि इनकम के अंदर में कितने सारे बदलाव पिछले कुछ सालों के अंदर में हुए हैं। 1940 के अंदर में अगर आपके पास में सिर्फ 10 रुपए हुआ करते थे तो अपनी जिंदगी आप एक मिडिल क्लास के अंदर में जिया करते थे। 1960 के अंदर में आपके पास में 100 रुपीज हुआ करते थे, राइट, तो आपके पास में आप एक इस लाइफ को मिडिल क्लास के अंदर में जिया करते थे। 1980 के अंदर में आपके पास में 1000 रुपीज अगर हुआ करते थे तो आप एक मिडिल क्लास लाइफ जीते थे। राइट नाउ वी आर इन 2020 टू 2030, हमारे पास में 2020 से लेकर 2030 के अंदर में आज हम जिंदगी को जी रहे हैं। और इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर में 80% से ज्यादा लोग 20,000 से कम कमाते हैं अभी के समय पे। 80% से ज्यादा लोग 20,000 से मंथली एवरेज में कम कमाते हैं। और हमें और आपको आज 1,00,000 रुपए से लेके 2,00,000 रुपए पर मंथ की इनकम की जरूरत है। और अगर वो इनकम हमारे पास में नहीं आएगी तो हमें बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर गरीबी रेखा के नीचे या फिर हम लोगों को एक नॉर्मल लाइफ हमें जीनी पड़ेगी। और इससे पहले अगर कोविड से पहले कोई किसी को बोलता कि लेट्स स्टार्ट अ पार्ट टाइम इनकम, लेट्स स्टार्ट अ सेकंड इनकम सोर्स, तो शायद उस समय पे कोई उसको इतना सीरियस नहीं लेता। बट मैंने जब देखा कि एक एवरेज मिलीनियर के पास में 7 इनकम सोर्सेस होते हैं, एक एवरेज मिलीनियर के पास में 7 इनकम सोर्सेस होते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने आपका पहला शुरू किया, कि आपने आपका दूसरा शुरू किया, कि आपने आपका तीसरा शुरू करा नहीं करा है। तो मैं वेलकम करता हूँ आज के इस प्रेजेंटेशन के अंदर में, जहाँ पे आने वाले 40 to 45 मिनट के अंदर में आप जब तक ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी तब तक आपके पास में एक नया इनकम सोर्स शुरू करने का एक रास्ता होगा, जहां से अपनी एक नई इनकम आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे कमाना चाहते हैं? से यस टू मी और बिग यस टू मी, बिकॉज मुझे अपनी लाइफ के अंदर में इस पैसे की इंपॉर्टेंस को बहुत नजदीक से मैंने समझा था। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट वी नीड मनी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं है बट सब कुछ करने के लिए आपको और मुझे पैसा चाहिए। जब हम पैदा हुए थे तो शायद क्यूट थे, आप भी क्यूट होंगे, तो डिलीवरी डॉक्टर ने फ्री में नहीं करी थी, पैसा लगा था। जब हम पैदा हुए तो पैसा लगा, जब हम मरेंगे तो भी पैसा लगेगा। तो बीच के जिंदगी में 100% आपको और मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट वी नीड मनी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं है बट सब कुछ करने के लिए आपको और मुझे पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। जब भी मैं पैसे की बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे से डिसएग्री कर लेते हैं, क्या किरण सर पैसा 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 करते रहते हो? पैसा खुदा थोड़ी ना है। मैं मानता हूँ दोस्त की पैसा खुदा नहीं है, मैं मानता हूँ दोस्त की पैसा खुदा नहीं है, और जब जरूरत होती है और कोई देता नहीं है तो माँ कसम ये खुदा से कभी थोड़ी है। ये दो बार आपको ताकत दिखाता है, एक आपके पास में होता है तो, और एक आपके पास में नहीं होता है तो। और आज मैं उसी के टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। कुछ सोसाइटी के लोग, कुछ समाज के लोग जिनको पैसे के बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता, बट आज अगर उनसे पूछेंगे कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आज एफर्ट्स आप ले रहे हैं, वो किस चीज के लिए ले रहे हैं? 100% पैसे के लिए। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट वी नीड मनी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं है बट सब कुछ करने के लिए हमें और आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। और लेट्स गो फॉर दैट। आज हम जानेंगे कि आप और हम लोग अपने घर पे इस पैंडेमिक के अंदर में अपने मोबाइल से, अपने वाईफाई से किस तरीके से एक एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स और अपने आप को डेवलप करने का मौका ढूंढ सकते हैं। आगे लेके चलेंगे अजी जी। अजी जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आर यू देयर? अब बात हम लोग पैसे की कर रहे थे तो बहुत सारी बार में ऐसा होता है हमारे और आपकी जिंदगी के अंदर में कि पैसे के बारे में जैसे ही कुछ लोग बोलना शुरू कर देते तो मुझे लगता है लोग हमें चमत्कारिक नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि भैया ये पैसे के बारे में बात करने लग गया, अभी तक तो ठीक था बट अब बिगड़ गया। दोस्तों मैं जैसे ही पैसे की बात करता हूँ कुछ लोग बोलते हैं क्या किरण सर पैसा 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 करते रहते हो, पैसे से आप बर्गर तो खरीद सकते हो, भूख नहीं। मैंने बोला जाके कभी JW मारे जैसे भाईसर होटल के अंदर में अपने फैमिली को लेके डिनर करके देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि पैसों से भूख भी खरीदी जाती है।
दोस्त बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं क्या किरण सर पैसा 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 करते रहते हो, पैसे से बिस्तर तो खरीद सकते हो, नींद नहीं। मैंने बोला जाके कभी जेडब्ल्यू मैरिज जैसे उस 6.5 फीट की गद्दी पे सो के देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि दोस्त पैसे से नींद आती कि नहीं आती है। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट वी नीड मनी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं है बट सब कुछ करने के लिए आपको और मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है। अजीत जी आर यू देयर, कैन यू प्लीज चेंज द स्लाइड या कैन आई शेयर माय माइंड दिस वे? Yes, thank you so much. Make it big. Okay. तो जब मुझे ये समझ में आया कि पैसा कमाना जरूरी है और इस दुनिया के अंदर मैं पैसे कमाने के लिए क्या क्या रास्ते होते हैं, इन चीजों को मैं ढूंढने लग गया और मुझे एक बुक मिली रिच डैड पुअर डैड, मैंने उसको पढ़ा और उसके अंदर मैं रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि इस दुनिया को उन्होंने 4 भागों के अंदर में डिवाइड किया, जिसके अंदर मैं सबसे पहली कैटेगरी है एम्प्लॉय कैटेगरी। एम्प्लॉय कैटेगरी का मतलब ये होता है कि किसी कॉलेज से आप डिग्री लीजिएगा, किसी कंपनी को जाके दीजिएगा, 8 घंटे काम करेंगे आपको 8 घंटे का पैसा मिलेगा, 10 घंटे काम करेंगे आपको 10 घंटे का पैसा मिलेगा, जितना आप समय देंगे आपको उतने का पैसा मिलेगा, आप समय देना बंद करेंगे पैसा मिलना बंद हो जाएगा। दिस इज योर एक्टिव इनकम। जब तक आप काम करते रहेंगे आपको पैसा आता रहेगा, काम करना बंद पैसा आना बंद हो जाता है, विच इज एम्प्लॉय कैटेगरी। एक एम्प्लॉय कैटेगरी राइट, मैं आपको स्लाइड पे लेके चल रहा हूं, प्लीज गिव मी अ सेकेंड। या थैंक यू। दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब ये होता है कि अपने स्किल के व्याप पे पैसे कमाना। आप अगर देखेंगे इन लोगों को तो ये अपने आप को बिजनेसमैन तो समझते हैं, बट दीज आर नॉट अ बिजनेसमैन, दीज आर द बिजनेसमैन। जब तक इनका शटर ओपन रहेगा तब तक इनके पास में पैसा आएगा, शटर ओपन नहीं रहेगा पैसा आना बंद हो जाएगा। आपको मैं चीज बता देता हूँ, ये लोग वो लोग होते हैं जो लोग अपने ही बिजनेस के लिए खुद को हायर कर देते हैं, जिनके पास में अपने खुद के मतलब एनिवर्सरी के लिए भी अपने पास में समय नहीं होता। मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, दिस इज द सेकंड कैटेगरी, जिनके पास में समय की पाबंदी होती है, पैसा तो होता है बट इनके पास में समय नहीं होता, और इनको पैसा भी तब तक आता है जब तक इनके पास में इनका शटर ओपन रहता है। जैसे ही शटर डाउन हो गया पैसा आना इनको भी बंद हो जाता है, इनको भी एक्टिव इनकम मिलती है। तीसरी कैटेगरी है बिजनेस ओनर की कैटेगरी। द थर्ड कैटेगरी इज बिजनेस ओनर कैटेगरी। बिजनेस की ओनर की कैटेगरी, जैसे मेरे को सामने बिजनेस का नाम आता है मेरे अंदर में एक एक्साइटमेंट से हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ बचपन से हमें देखा था कि अमेरिकी निशानी बिजनेसमैन, जब भी किसी पैसे वाले को देखते थे तो उसकी निशानी थी बिजनेसमैन। मैं समझ में आ चुका था कि जिंदगी के अंदर में इन बिजनेसमैन के अंदर में कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो कॉमन है, तो मैंने कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया और मुझे 3 चीजें समझ में आई। ये सारे लोग जो बिजनेस ओनर है इनके पास में 3 चीजें कॉमन है, इनका खुद का नाम है, इनकी कंपनी का नाम है और इनके पास में इनका खुद का नेटवर्क है। सबने सही सुना, इनका खुद का नाम है, इनकी कंपनी का नाम है और इनके पास में इनका खुद का नेटवर्क है। तो मुझे समझ में आया आपका और मेरा नाम तो हमारे मम्मी पापा ने दिया हुआ है, कंपनी का नाम डालने जितना पैसा या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में नहीं होता है। और आज आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब तक ये प्रेजेंटेशन एंड होगी हम और आप यहाँ पे कंपनी के नाम के साथ में जुड़े हुए होंगे और उसके द्वारा हम अपना नेटवर्क बना के नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। और चौथी कैटेगरी है विच इज द इन्वेस्टर की कैटेगरी। इन्वेस्टर का मतलब ये होता है कि जिस जगह पैसे लगाएंगे तो पैसे लगा के पैसे कमाएंगे। मेरा हमेशा से सवाल होता था कि अगर पैसे मेहनत करने से आते तो शायद मेरे मम्मी पापा ने बहुत सारी मेहनत करी है, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अमीर ही अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग गरीब गरीब बन जाते हैं? तो मुझे समझ में आया जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो आपको मुझे समझ में आया। लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट के अंदर में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर में इस दुनिया का 95% क्राउड है। इस दुनिया का 95% क्राउड लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट के अंदर में है और 5% का क्राउड बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर में आता है। और सबसे ताज्जुब की बात तो यह है उन 95% लोगों के पास में सिर्फ 5% वेल्थ है और 5% लोगों के पास में 95% वेल्थ है। तो मुझे समझ में आया कि अगर भीड़ के अंदर में कितना भी कोशिश करोगे तो शायद वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां पे पहुंचना चाहते हो। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, अगर अपने पास में पैसे लाना चाहते हो, तो आपको मुझे बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा या तो इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। और बिजनेस ओनर बनने के लिए हमें लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट से निकलकर राइट साइड के क्वाड्रेंट के अंदर में एंट्री करने का मौका मिलना चाहिए। और आज वो मौका टीम सोनू शर्मा की तरफ से मैं किरण गड़ाक आपको इस प्रेजेंटेशन के अंदर में देने वाला हूं, जहां से आप लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट से निकलकर राइट साइड के क्वाड्रेंट के अंदर में अपनी एंट्री करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं लेके चलता हूं, आप देख सकते हैं यहां पे जॉब्स आर डेड इन इंडिया ड्यू टू लॉकडाउन। 67% जॉब्स आज ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। और दोस्तों मैं ये आज मेरे मन से बात नहीं कर रहा हूं, यू कैन जस्ट गो टू द गूगल आस्क हिम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, छोड़िए गूगल को क्या पूछने की जरूरत है, आप अपने आप से ही पूछिएगा ना। आपके आजू बाजू के अंदर में बहुत सारे लोग जॉब करते थे, उसमें से बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी जॉब छूट चुकी होगी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी जॉब के अंदर में सैलरीज कट डाउन हो चुकी होगी, या फिर आपके खुद के घर के अंदर में अपने मम्मी पापा भैया भाभी या फिर कोई रिलेटिव्स के अंदर में आप देख सकते हो, तो वहां पे भी बहुत सारे लोगों के साथ में जॉब के अंदर में ये चीज हो चुकी है। एंड वी नीड टू बी अवेयर राइट नाउ कि हमें और आपको हमेशा सेकंड इनकम सोर्स को करते हुए लेके चलना पड़ेगा अगर हम अपने लाइफ के अंदर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो। क्योंकि हमें नहीं पता, पहले ऐसा होता था कि हमारे पास में तीन हमारे पास में मौसम हुआ करते थे,
पहले बारिश वाला मौसम हुआ करता था, ठंडी वाला मौसम हुआ करता था और धूप वाला मौसम हुआ करता था। आजकल ये आज ये हमारे साथ में लॉकडाउन वाला मौसम नया शुरू हो चुका है। पिछले दो साल से हर साल में चार महीने आता है और हमें नहीं पता कि अगले साल में आएगा कि नहीं आएगा। और इसके लिए आपको और हमें प्रिपेयर होना जरूरी है कि अगले साल में जब ये मौसम आए तो हम अपने आप को प्रिपेयर करके रखे हुए होंगे आने वाले लाइफ के लिए। आगे लेके चलना चाहता हूँ, जब मैं इस प्लान को नहीं देखा था, जब मैं इस प्रेजेंटेशन को नहीं देखा था, तो मुझे लगता था मैं एक एम्प्लॉई बन जाऊंगा और एम्प्लॉई बन के कुछ दिनों तक एम्प्लॉयमेंट का सहारा लूंगा, फिर मैं बिजनेस को पैसे इकट्ठा करूंगा और फिर मैं बिजनेस की शुरुआत करूंगा। बट मुझे समझ में आई बिजनेसमैन की एम्प्लॉयमेंट की कुछ कैटेगरीज, जिसके अंदर मुझे समझ में आया कि वो सारी चीजें जो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखी है, वर्किंग विथ योर ओन हैंड्स, आप खुद के हाथों से काम करते हो, जाते वक्त भी अकेले थे, आते वक्त भी अकेले रहेंगे, आपके पास में एम्प्लॉयमेंट के अंदर में मतलब क्या लेके गए थे और क्या लेके आए, तो सिंपल सी बातें, समय लेके गए थे और सैलरी लेके आए, इसके अलावा आपके और मेरे पास में यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। नो टाइम फ्रीडम, जाने का समय तो कन्फर्म है, आने का कोई समय कन्फर्म नहीं है। लिमिटेड इनकम पोटेंशियल, मैंने किसी जॉब वाले पर्सन को नहीं देखा जिसकी इनकम 15,000 रुपए से 15 लाख रुपए पहुंची हो। दोस्त मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, वहां पे ऐसा कभी नहीं होता कि लोगों की इनकम एक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर जाए। सेम ऑफिस एवरीडे, सेम एसी, सेम पीसी, अपने घर से निकलते हैं और ऑफिस पहुंचते हैं, ऑफिस पहुंचते घर के निकलते हैं। पिछले 25 साल से कुछ लोग तो एक ही चेयर पर बैठ के अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। सेम ऑफिस एवरीडे, स्ट्रिक्ट शेड्यूल लाइफ के अंदर में, हमेशा स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है इनके पास में, सुबह से लेकर शाम तक का एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है। 15 मिनट में भी अगर बायोमेट्रिक्स के ऊपर अपना अंगूठा लगाने में भूल गए तो उस दिन की सैलरी कट हो जाती है। यू कांट डिसाइड योर जॉब अर्निंग्स एंड रिवॉर्ड, अपने खुद से आप रिवॉर्ड्स एंड अर्निंग डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरी कैटेगरी, जब मुझे समझ में आया कि मैं अगर जॉब से नहीं कर सकता हूं तो मैं अपना ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करूंगा, और मुझे जब ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में समझ में आया तो मुझे समझ में आया किरण यार वी नीड अ बिग कैपिटल, हमारे पास में एक बड़े कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी रिस्क इन्वॉल्व होगी, नीड अपना एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ेगी, हाई रिस्क और नॉमिनल इनकम रिटर्न हमें मिलेंगे, रूटीन शेड्यूल होगा। और ये सारी चीजें देखने के बाद में जब मैंने इस तीसरी इंडस्ट्री को देखा, और दोस्तों अपने आप को प्रिविलेज मानता हूं कि आज इस इंडस्ट्री का पार्ट हूं, स्मॉल कैपिटल के साथ में शुरुआत होने वाली इंडस्ट्री, नो एक्सपीरियंस नीडेड, आपके पास में कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, आपके इस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सवाल है कि आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं क्या, आपके पास में सपने हैं क्या, आपने आपको बदलने के लिए तैयार है क्या, अपने आप को सीखने के लिए समय देने के लिए तैयार है क्या। अगर ऐसा है तो आपके पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा तो भी आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हो। जीरो रिस्क है आपके पास में, 0% की रिस्क है आपके पास में, एक भी चीज की रिस्क नहीं है क्योंकि आप कुछ लगा के आते ही नहीं है तो रिस्क लेने की चीज नहीं होती है। नो एम्प्लॉय, आपको एम्प्लॉय की जरूरत नहीं पड़ती है, टाइम एंड मनी का फ्रीडम होता है। एक समय तक आपको काम करना पड़ता है और एक समय तक काम करने के बाद में, वैसे भी 3-4 साल 5 साल आप किसी न किसी जगह पे जॉब जरूर करेंगे, उतना ही समय अगर आप इस इंडस्ट्री में लगाएंगे तो आपके पास में समय का और पैसे का फ्रीडम हो जाएगा। और डेवलप योर हिडन स्किल, आप खुद के हिडन स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस इंडस्ट्री की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कहीं ना कहीं पे बहुत सारे बेनिफिट्स है। आगे लेके चलना चाहूंगा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्या डिसाइड करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप फैमिली बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब आप ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर खुद का एक ओन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसको आप ऑनलाइन लेके चलेंगे। क्योंकि मैंने कहीं पे सुना है कि अगर आज के जमाने के अंदर में 21st सेंचुरी के अंदर में अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आपका बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर में। और तीसरी चीज, आपके पास में जॉब, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं व्हाट यू डिसाइडेड, आप क्या करेंगे। और मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स के अंदर में रिप्लाई आ रहे हैं कि सर हम अपना ओन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नंबर 2 के ऊपर में वो लोग वोट कर रहे हैं। आगे लेके चलना चाहता हूं आपको, मैं वहां पे दिखाना चाहता हूं, यस आपने देखा यहां पे एंटरप्रेन्योरशिप इज फ्यूचर, आने वाले दिनों के अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप जो है अपना खुद का बिजनेस करना, अपने खुद के स्टार्टअप लगाना, अपने खुद से कुछ ऐसे काम करना जो किसी के लिए इनकम के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं रहना, या आने वाले दिनों का एक फ्यूचर है। और आप अगर गूगल पे जाएंगे डालेंगे तो आपको एक ग्राफ नजर में आएगा कि किस तरीके से ग्राफ चेंज हो रहा है और लोग अपने आप के अंदर में आज जॉब मेंटालिटी से निकलकर एक एंटरप्रेन्योरशिप मेंटालिटी में जा रहे, लोग अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, लोग अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं और उसको डेवलप करते हुए अपना खुद का एक बिजनेस करना चाहते हैं, राइट। और यस दोस्तों, व्हाई एक्सपर्ट्स हैव, क्या इस एक्सपर्ट्स जो है इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलते हैं, आप पहले स्लाइड पे देख रहे होंगे, पहले पिक्चर के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप जी का आपको फोटो दिख रहा होगा। ये एक ऐसे पर्सन है क्योंकि ट्रंप नेटवर्क के नाम से कंपनी है और आज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत बड़ी लेवल पे प्रमोट करते हैं। दूसरा है टोनी रॉबिन्स, टोनी रॉबिन्स कहता है कि अगर आपके पास में आप एक मिडिल क्लास में पैदा हुए होंगे और मिलीनियर बनना चाहते होंगे तो आपके पास में बहुत बड़ा मौका है कि आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हैं। तीसरे संदीप माहेश्वरी जी जो आज बोलते हैं कि मैं 1200 के अंदर में था और मुझे किसी नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनने का मौका मिला और आज मैं जो भी हूं उसके अंदर में, उसका जो बीज है आज भी उसके अंदर में और जिसकी वजह से शायद मैं अपनी लाइफ के अंदर में जो भी कर पाया हूं वो उनके सेमिनार्स के अंदर बहुत बार बताते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा वन ऑफ द मोटिवेशनल स्पीकर और
आज लीडरशिप कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच है और आज ये बताते हैं कि जब भी मेरी कभी संतान होगी तो मैं पहले 18 साल के बाद में उस बच्चे को नेटवर्क मार्केटिंग में डालना चाहूंगा क्योंकि वहां पे उसकी डेवलपमेंट बहुत बड़ी लेवल पे होगी। और दोस्तों ये सारे एक्सपर्ट इस इंडस्ट्री के बारे में जो चीजें बोलते हैं, हाँ मैं उसी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। द नेम ऑफ इंडस्ट्री इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जैसे मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो कुछ लोगों के दिमाग में तुरंत से ये आने लग जाता है, अच्छा ये चैन सिस्टम है क्या, अच्छा ये चैन सिस्टम है क्या, अच्छा ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैकडोनल्ड्स एक चैन सिस्टम नहीं है, क्या फेसबुक चैन सिस्टम नहीं है, क्या टाटा स्काई चैन सिस्टम नहीं है, क्या डोमिनोज चैन सिस्टम नहीं है, पेटीएम जियो जोमैटो व्हाटएवर द थिंग्स अराउंड यू इज अ चैन सिस्टम, वो किसी ना किसी के चैन का पार्ट है। मुझे एक चीज समझ में आती है, आइदर यू क्रिएट द नेटवर्क, आइदर यू बी द पार्ट ऑफ द नेटवर्क। आप एक तो नेटवर्क खुद बनाएंगे या तो फिर आप एक नेटवर्क का पार्ट बनेंगे। और आज आप लोगों के पास में, आप और हम लोग किसी ना किसी नेटवर्क का पार्ट है। ये वॉच मुझे किसी ने बेची है, सूट मुझे किसी ने बेचा, ये टाई मुझे किसी ने बेची है, शर्ट मुझे किसी ने बेचा है, कुछ ना कुछ चीज मुझे किसी ना किसी ने बेची है। तो मैं किसी ना किसी के नेटवर्क के अंदर मैं आता हूं, उसके प्रोडक्ट्स को मैं परचेस करता हूं और ऑटोमेटिकली उसको उसका कमीशन जाता है, उसको उसका पैसा जाता है। सेम उसी तरीके से आप और मैं किसी ना किसी के नेटवर्क का पार्ट जरूर है। आज के बाद में हम अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश करेंगे और जहां से अपनी नेटवर्क को बल्ड करके नेटवर्क को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कि यह वॉच है, जस्ट लुक एट दिस, दिस इज द वॉच। वॉच किसी ना किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर में बनी और किसी ना किसी कस्टमर के लिए बनी थी। बट क्या ये कस्टमर डायरेक्टली खरीदने के लिए मैन्युफैक्चरर के पास में गया? नहीं। या फिर ये मैन्युफैक्चरर बेचने के लिए कस्टमर के पास में आया? नहीं। फिर ये पहुंचा कैसे? ट्रेडिशनल मार्केट वे से ये प्रोडक्ट उनके साथ में पहुंचा, जिसके अंदर में आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो होलसेलर रिटेलर स्टॉकिस्ट का एक बहुत बड़ा चैन, इसके साथ साथ में इसके पीछे में एक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के एडवर्टाइजमेंट एजेंसी काम करती है। जो प्रोडक्ट एक अमाउंट में बना था वो 10x अमाउंट में कस्टमर के पास में पहुंचता है। मतलब बताने की कोशिश है तो बीच का जो पैसा है वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आज वेला जो चैन है जिसके अंदर में होलसेलर रिटेलर और स्टॉकिस्ट है वो सारे लोग इस पैसे को लेके जाते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, उसका पूरा अपोजिट होता है। डायरेक्ट सेलिंग बोलती है कि आपके पास में मौका है कि आप इस प्रोडक्ट को निकालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, पहुंचाएंगे कस्टमर के पास में, पहुंचाने वालों को दी जाएगी डिस्ट्रीब्यूटरशिप। इसके बीच में कोई एडवर्टाइजर नहीं रहेगा, कोई बड़ी ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेगा, कोई बड़ी कंपनी नहीं रहेगी, कोई बड़ी यहाँ पे चैन सिस्टम नहीं रहेगा। आप खुद जाके उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाओगे और पहुंचाने वाले पर्सन को दी जाएगी डिस्ट्रीब्यूटरशिप। और वो पैसा जो किसी सलमान खान, शाहरुख खान, करीना कपूर, कटरीना कैफ के अकाउंट पे जाता था, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के अकाउंट पे जाता था, वो पैसा आपके और मेरे घर का आना शुरू हो जाएगा। मुझे पता है विद रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, किसी भी बड़े सेलिब्रिटी के अकाउंट पे अगर करोड़ रुपए चला जाता तो उनको कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं होने वाला। बट अगर आपके और मेरे घर पे आता है, मुझे लगता है बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारे और आपके घर पे हो सकता है। और दोस्तों आप सब लोगों की एक्साइटमेंट के साथ में आज हम लोग 2 जून को 17 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं। सबने सही सुना, वी आर गोइंग टू कंप्लीट 17 इयर्स ऑफ आवर्स, 17 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं। और 17 साल पुरानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। यस दोस्तों, वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ पीपल थ्रू वेलनेस, वेलनेस के थ्रू लोगों की जिंदगी के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम पिछले 17 सालों से हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों मैं 17 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। अगर आपकी उम्र शायद आप 20 साल है तो आप 3 साल के थे तब बस्ती की शुरुआत हुई थी। अगर आपकी उम्र आज 25 साल है तो लगभग 7-8 साल के थे, आप अपने ग्राउंड में खेलते होंगे, उस समय पे बस्ती की शुरुआत हुई थी। और आज बस्तीज ने पिछले 17 सालों के अंदर में क्या किया है मैं आपको बताना चाहूंगा। बस्तीज इज द नंबर 1 रैंकर इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड वाइड के रैंकिंग के अंदर में टॉप 30 नंबर की ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे आज आप देख सकते हो इंडिया की कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड के रैंकिंग के अंदर में आती है। जिन 3 लेजेंडरी पर्सनालिटी ने इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी, द वेरी फर्स्ट पर्सन मिस्टर गौतम बाली सर, मिस्टर दीपक सुद सर और मिस्टर कन्वर बीर सर, इन तीनों लोगों ने मिला के इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी। और आज जब हमने शुरुआत करी तो आज बहुत सारे अवार्ड्स, रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स आज हमारे पास में है। बेस्ट वर्किंग प्लेस से लेके टॉप ग्लोबल 30 के अंदर से अवार्ड से लेके बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स आज वेस्टिज के पास में है। और सारे प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास में जो GMP हलाल ISO क्वालिटी सर्टिफिकेशंस के द्वारा प्रमाणित किए गए प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा 2004 से लेके 2021 तक का सफर, ध्यान से देखिएगा। 2 प्रोडक्ट के साथ में हमने शुरुआत करी थी, 2 ऑफिस थे, 6 डिस्ट्रीब्यूटर थे, 1 लैंग्वेज थी, 1 कंट्री था और 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर था 2004 के अंदर में दोस्तों। और वहां से शुरुआत करके आज इस ऑर्गेनाइजेशन को आज 17 साल के बाद में देख रहे हो, 375 प्रोडक्ट्स आर देयर, 375 प्रोडक्ट्स आर देयर, 65 ब्रांच ऑफिसेस। दोस्तों मुझे बता के बहुत अच्छा लगता है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे उस स्टेट के अंदर में हमारी कंपनी का ब्रांच ऑफिस आपको मिल जाएगा। और वो ब्रांच ऑफिस एटलीस्ट 2000 से लेकर 3000 स्क्वायर फीट का, जहां पे कम से कम 8 से 10 लोगों का कंपनी का ऑफिस स्टाफ आपको वहां पे मिलेगा। और आज आपको एक सहारा, आपको एक बैठने की जगह, आपके खुद का ओन ऑफिस पूरे स्टेट के अंदर में, 1 ब्रांच ऑफिस एटलीस्ट या 2 ब्रांच ऑफिसेस अलग अलग कोने के अंदर में, अलग अलग जोन के अंदर में आपको देखने का मौका मिलेगा। 4000 प्लस शॉपीज है दोस्तों, 4000 प्लस शॉपीज। अगर आप
आंख बंद करेंगे और इंडिया के किसी भी कोने पे उंगली रखेंगे तो आपको देखने का मौका मिलेगा कि वस्तीज की शॉपी आपके उंगली के नीचे आपको नजर आ जाएगी। अगर आप कहीं पे भी रहते होंगे पूरे इंडिया के अंदर में, अपने घर से आजू बाजू में सर्च करिएगा, 10 किलोमीटर के अंदर में वस्तीज की शॉपी आपको आजू बाजू में मिल जाएगी। दोस्तों मैं उस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ जिसके पास में आज 2.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स है। यस, आपने सही सुना, 2.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 10 लैंग्वेज है, 8 कंट्रीज के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, यूएई, दुबई, नेपाल, थाईलैंड। अच्छा, यूएई जैसी कंट्री ने वस्तीज को एक्सेप्ट किया, जैसे कंट्रीज ने वस्तीज को एक्सेप्ट करा, और ऐसे बहुत सारी कंट्रीज जो आज बहुत सारी जगह पे काम कर रहे हैं। हम लोग 8 कंट्री के अंदर में 1850 करोड़ का टर्नओवर था 2018-19 का, और लास्ट ईयर हमने 2500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हमने क्रॉस कर चुके हैं। 4500 लोग महीने का 1 लाख रुपए कमाते दोस्तों, 10000 लोगों ने अपनी खुद की पसंदीदा कार ली है जिसमें से 8000 लोग छोटी कार अचीवर्स है, और उसके साथ साथ में 600 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लग्जरियस कार को एंजॉय करते हैं। आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं 2004 से 2021 के बीच में, दिस इज द ह्यूज डिफरेंस, और हर साल में हम लोग एक दुगनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। और आप सब लोगों को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, 2 जून 2021 को हम लोग 17 साल हमारे पूरे करेंगे। जैसे आपने सही सुना, हम 17 साल पूरे करेंगे। इंडिया के अंदर की सबसे पहली कंपनी जो 17 साल सक्सेसफुली हाईएस्ट ग्रोथ पे लर्न अप करती है, हाईएस्ट ग्रोथ पे ग्रोथ पे आज चल रही है। आगे लेके चलना चाहूंगा आपको, वेस्टीज के पास में कौन से प्रोडक्ट है। आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होंगे, वी हैव द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। आप एक हाउसवाइफ होंगे तो आपके लिए घर के अंदर के जो भी सारे प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, जिसके अंदर में साबुन, तेल, शैम्पू, कुकिंग ऑयल, चाय पत्ती, कॉफी, ब्रेकफास्ट, आप जो भी प्रोडक्ट को यूज करते होंगे, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, डिश वॉशर, डिश क्लीनर, फेस, आप जो भी प्रोडक्ट को यूज करते होंगे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर आप एक फीमेल है, गर्ल है, तो आपके पास में जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स की आपको जरूरत पड़ती है, जहां पे आप बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को यूज करते हो, उन सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के इंग्रेडिएंट वेस्टीज बनाती है। और आज बताते हो बहुत अच्छा लगता है कि आपको इंटरनेशनल प्राइस, इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट इंडियन प्राइस के अंदर में वेस्टीज के द्वारा यूज करने का मौका मिलता है। और ऐसे 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक। आज लोग इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात कर रहे हैं, बताते हो प्राउड होता है, पिछले 16 सालों से वेस्टीज स्पिरोलिना, नोनी, आमला, आंवला, या फिर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो वेस्टीज के अंदर में ऑलरेडी अवेलेबल है, जो आज आप यहां से यूज कर सकते हैं एज एन इम्यूनिटी बूस्टर, जो हम पिछले 16 सालों से बेच रहे हैं मार्केट के अंदर में। आप देख सकते हो, मैं आपके सामने नेक्स्ट प्रोडक्ट को दिखा रहा हूं, ये है एयर प्यूरिफायर। ये दोस्तों आपने सही सुना, एयर प्यूरिफायर आज ये आपको COVID-19 के अंदर में अपना एक प्रिवेंशन टूल बन सकता है। आपके घर के अंदर में आपको इसको प्रिवेंट करने के लिए टूल बन सकता है। अपने घर के अंदर में जितने भी जर्म्स है, आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, इसमें इसके अंदर में 3 तरह की टेक्नोलॉजी है, जहां पे प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी एयर प्यूरिफायर रिमूव 99.8% एलिजेंस जो है उसको रिमूव कर देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सर्टिफाइड बाय आप हिरोशिमा यूनिवर्सिटी, ओकासा सिटी यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारी 33 सर्टिफिकेशन इसके पास में है। इसके अंदर में प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, और बहुत सारे इसके अच्छे रिजल्ट है। और मैं आपको बता दूं, आई एम द 100% प्रोडक्ट यूजर ऑफ दिस प्रोडक्ट। मेरे पास में 2 प्रोडक्ट्स में इसको यूज कर रहा हूँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट रिजल्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज सैकड़ों लोग रेगुलर बेसिस पे इसको परचेस कर रहे हैं अपने फैमिली को बचा के रखने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। और मुझे कहीं पे सुना था मैंने, प्रिवेंशन इज ग्रेटर दैन क्योर। और आगे लेके चलना चाहूंगा, अब आपके पास में 2 सवाल होंगे, 15 मिनट का पार्ट बचा, सिर्फ 15 मिनट का पार्ट बचा, बहुत ध्यान से समझेगा। 2 सवाल आपके पास में होंगे, हाउ कैन आई सेव द मनी विद वेस्टीज, वेस्टीज के साथ में मैं पैसे कैसे सेव कर सकता हूँ, और वेस्टीज के साथ में मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ। दोनों सवालों के जवाब अगले 15 मिनट के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ, ध्यान से समझेगा कि कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कुछ ना कुछ सामान, चाहे वो सोप, शैम्पू, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर या इम्यूनिटी बूस्टर, या कोई भी प्रोडक्ट आप किसी ना किसी शॉप से, डीमार्ट से, सुपर मार्केट से, या फिर किसी अलग जगह से खरीदते तो जरूर होंगे। अब अपन देखते हैं 3000 रुपए के एग्जाम्पल के द्वारा, ध्यान से देखिएगा, 3000 रुपए के एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं और 4 महीने का टोटल कैलकुलेशन निकालते हैं, तो हम देखेंगे कि नॉर्मल शॉप के अंदर में और वेस्टीज शॉप के अंदर में हमें और आपको क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहली चीज आप देखेंगे, फर्स्ट मंथ के अंदर में हम 3000 रुपीज का प्रोडक्ट परचेस करते हैं, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, एवरी मंथ हम लोग 3000 का सामान खरीदते हैं। अगर हम टोटल 12000 रुपए का 4 महीने में सामान खरीदते हैं तो हमारे पास में 5% का हाईएस्ट डिस्काउंट हमें और आपको मिलेगा। बट मैंने कहीं पे सुना था मनी सेविंग इज इक्वल टू मनी अर्निंग, पैसा बचाओ या तो पैसा कमा लो, बोथ आर द सेम थिंग। और पैसे बचा के कैसे पैसे कमाए जा सकते इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। हमें बचपन से बताया जाता है पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ। दोस्तों मैं आपके सामने पैसे बचाने का एक बहुत सही तरीका, पैसे बचाने के लिए आप प्रोडक्ट यूज करते हुए, कंज्यूम करते हुए कैसे पैसे बचा सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, बेनिफिट टू बिकम अ कस्टमर इन्वेस्टेड, वेस्टीज के अंदर में कस्टमर बनने का क्या बेनिफिट है, सिर्फ कस्टमर बनने का क्या बेनिफिट है। दोस्तों सबसे पहला फायदा है, फायदा नंबर 1, 5 फायदे बताने वाला हूँ।
फायदा नंबर एक, रिटेल डिस्काउंट आपको मिलता है 5% टू 20% का रिटेल डिस्काउंट आपको मिलता है, जो अगर 3000 रुपए के प्रोडक्ट के ऊपर में पकड़ा जाए तो 500 रुपए का होता है, अगर 4 महीने लगातार आप सामान खरीदेंगे तो 2000 रुपए का रिटेल डिस्काउंट आपको मिलता है। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने जाएंगे आपको एमआरपी प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगा, मार्केट रिटेल प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगा। बट अगर वेस्टेज की बात करी जाए तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगा जो 5-20% के डिस्काउंट के अंदर में आपको मिल जाएगा। दूसरा है फ्री प्रोडक्ट, 10% का प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, 10% का प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। जब भी आप 3000 रुपए का सामान खरीदी करेंगे, अब बाहर की मार्केट में जाके 10000 का बिलिंग बनाइए और सोने के लिए छोटे बच्चे के लिए एक छोटा सा कॉफी चॉकलेट लेने की कोशिश करेंगे तो आपको 1 रुपए का भी चॉकलेट वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देगा। वेस्टेज कहती है आप हमारे साथ में लॉयल कस्टमर है, आप अगर 3000 रुपए का सामान परचेस करते हैं तो आई विल गिव यू 10% ऑफ प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, 10% के प्रोडक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। दूसरा फायदा, फायदा नंबर 2। तीसरा फायदा है कैश बैक इनकम। यस दोस्तों, आपने सही सुना, 3% टू 5% का कैश बैक डिपेंडिंग अपॉन योर पोजीशन, आपके अकाउंट पे क्रेडिट होता है। अगर आप फ्री प्रोडक्ट देखेंगे तो 10% का फ्री प्रोडक्ट है, 3000 के ऊपर में 300 रुपए का, 4 महीने का 1200 रुपए का प्रोडक्ट फ्री हो जाता है। तीसरा है कैश बैक इनकम, अगर आप देखेंगे तो 3000 के ऊपर में 3% का कैश बैक पकड़ता हूँ तो 90 रुपीज का कैश बैक आता है, 4 महीने आएगा तो लगभग 360 रुपए का कैश बैक इनकम भी आ जाएगा। कंसिस्टेंसी इनकम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा फायदा है 4 महीने लगातार आप वेस्टेज के साथ में सामान परचेस करेगा, 3000 रुपए का जैसे आप किसी शॉप से खरीदते थे सेम एज इट इज आप अपने वेस्टेज से खरीदेगा। चेंज योर शॉप एंड गेटिंग चेंज योर लाइफ, अपनी जिंदगी को बदलने की एक शुरुआत करिए, एक नई डायरेक्शन दीजिए सिर्फ अपनी बाइंग हैबिट्स को चेंज करके। 3000 रुपए का सामान आप 4 महीने तक लगातार परचेस करेंगे, 5वें महीने में आपको 3000 रुपए की एमआरपी प्राइस का और 2500 रुपए की डीपी प्राइस का प्रोडक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और 5वां बेनिफिट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, अगर पसंद आता है तो लोगों के साथ में शेयर करो वरना रिटर्न करो और आपका 100% मनी बैक गारंटी लेके जाओ। यस, आपने सही सुना दोस्तों, 100% मनी बैक गारंटी फायदा नंबर 5। अब जब भी हम किसी मार्केट से सामान लेके आते हैं हमें कभी अश्योरेंस ही नहीं होती है कि वो सामान हमारे लिए यूजफुल होगा, वो सामान हमारे लिए अपने स्किन के लिए, अगर स्किन केयर के प्रोडक्ट है तो हमारे लिए फायदेमंद होंगे कि नहीं होंगे। अगर कोई प्रोडक्ट आप लेके आते हो तो आपको पता नहीं होता कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए सच में यूज होता है क्या, बट आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री के लिए पैसा लगा के रिस्क लेके आप लेके आते हैं। वेस्टेज बोलती है आप रिस्क मत लीजिए, हमें हमारे प्रोडक्ट के ऊपर में पूरा विश्वास है, आप सिर्फ प्रोडक्ट को लेके जाइए 25% तक यूज करिए, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है आप हमारे साथ में 21 दिन के अंदर में रिटर्न कर दीजिए, 25% यूज करने के बावजूद भी हम आपको 100% का रिटर्न का पॉलिसी दे देंगे। और आपको और हमें यहाँ पे अगर टोटल बेनिफिट देखे जाए तो अप टू 55% के डिस्काउंट के साथ में हमें प्रोडक्ट मिलता है। जब हम 12000 रुपए के प्रोडक्ट मार्केट में खरीदते तो हमें 5% का डिस्काउंट मिलता था, बट वेस्टेज के साथ में प्रोडक्ट परचेस करने के बाद में अप टू 55% के अंदर में प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं, जहाँ पे 6500 रुपए के अंदर में ही हमें 12000 रुपए के प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे बेनिफिट वेस्टेज के साथ में प्रोडक्ट परचेस करने के ऊपर में, अलग अलग ऑफर अलग अलग ओकेजन के ऊपर में आती है जहां पे आपको उसको रिवील करके बहुत अच्छा बेनिफिट सिर्फ प्रोडक्ट परचेस करने के ऊपर में भी ले सकते हैं। आगे लेके चलता हूं आपको, अब आप मुझसे पूछोगे ठीक है सर प्रोडक्ट भी अच्छे हमने यूज भी करे अच्छे भी लगे, अब क्या करना है, आर वी गोइंग टू सेल आर वी गोइंग टू प्रमोट, क्या हम इसको बेचेंगे या क्या हम इसको प्रमोट करेंगे। दोस्तों बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपको मैं पूछना चाहता हूँ दोस्त कि आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनको आप देखते हो ओए बबली आजा बबली और किसी बॉटल के पीछे भागते हुए नजर आएंगे तो क्या उन लोग क्या कर रहे हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं। 60 साल के उम्र के अंदर में भी कोई टीवी पे आके बोलता है मेरी असली जिंदगी का राज और किसी प्रोडक्ट का नाम ले लेता है, कुछ लोग आते हैं टीवी पे बोलते हैं मेरी सुंदरता का राज बस 10 रुपए का साबुन, वो क्या कर रहे हैं, वो किसी ना किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, ना यूज करते हुए भी प्रमोट कर रहे हैं, वो दे आर जस्ट इंडोर्सिंग द प्रोडक्ट। एक हफ्ते में घर पे लाओ 10 रुपए में निखार पाओ, उसके चक्कर में कुछ लोग बाल बच्चे वाले बन गए, निखार किसी को ना आया, बट आज भी जानो शानो से शानो शौकत से वो लोग प्रमोट करते हैं। मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, वो लोग सिर्फ क्या करते हैं इंडोर्स करते हैं प्रमोशन करते हैं। हम यहाँ पे रियल प्रोडक्ट यूजर होंगे, हम पहले इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें पसंद आता है तो लोगों के साथ में शेयर करेंगे, और अगर हम लोगों को शेयर करेंगे तो शेयर करने का क्या बेनिफिट मिलता है तो हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया क्या करना होगा, आप वेस्टेज शॉप को चूज करेंगे या नॉर्मल शॉप को चूज करेंगे, टाइप इन द कमेंट बॉक्स 1 और 2, 1 for Vestige shop और 2 for normal shop। मुझे बहुत सारी कमेंट नीचे में नजर आ रही है जो बोल रहे हैं कि वेस्टेज के शॉप को हम चूज करेंगे बिकॉज इतने सारे बेनिफिट्स हमें और आपको मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ में जब हमें प्रोडक्ट पसंद आ जाए, हम मंथली पाएंगे यहाँ से प्रोडक्ट को यूज करने लग जाए, उसके बाद में हमारे फ्रेंड्स
रिलेटिव और नेबरहुड के साथ में हम इन प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकते हैं। यस, आपने सही सुना, वी कैन शेयर विद आवर फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड नेबरहुड्स के साथ में हम शेयर कर सकते हैं और उनको शेयर करने का क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिएगा, सिंपल सी बात, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कोई आके पूछता है कि आपने बंटी ने कहाँ पे क्लासेस लगाए तो क्या आप बताते हो? बिल्कुल बताते हो। परसों आपने जो मूवी देखी और आपको अच्छी लगी तो क्या आप चार दोस्तों को बताते हो? बिल्कुल बताते हो। अगर आपके हाथ में वॉच है और अगर किसी को पसंद आती हो, पूछता है कहाँ से ली तो क्या आप बताते हो? बिल्कुल बताते हो। इसका मतलब क्या है? इंडियन लोगों के अंदर में इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो जो प्रमोशन करने की कला है, लोगों को बताने की कला है, वो पहले से ही है। इंडिया के अंदर में आपको एक चीज फ्री में मिलेगी, वो है सलाह। और आपको यहाँ पे मुझे सलाह देने का क्या बेनिफिट मिलेगा, अगले स्लाइड पे देखते हैं। यस दोस्तों, आप और हम लोग यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने जा रहे हैं, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्री है और ऑप्शनल है। फ्री मतलब फुकट है, आपको करना है तो करिए, अदरवाइज मत करिएगा। पैसे आपने प्रोडक्ट के लिए दिए थे और प्रोडक्ट के बदले में आपको प्रोडक्ट मिल गए, पैसे के बदले में आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं है। आप प्रोडक्ट को यूज करके भी सेटिस्फाइड रह सकते थे। बचपन में याद होगा आपको, शायद एक रुपए का वो कॉफी टॉफी चॉकलेट आता था, उसके अंदर में आपको एक रैप करा हुआ स्टीकर मिलता था। आपने पैसा चॉकलेट का दिया होता था, स्टीकर आपको फ्री मिल जाता था, उसको आपको यूज करना है या फेंक देना, ये आपकी मर्जी होती थी। उसी तरीके से आपने क्या किया, प्रोडक्ट को यूज करा और आपको बिजनेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। बट हम इंडियन लोग हैं, वड़ा पाव के साथ में मिर्च नहीं छोड़ते हैं, तो दोस्तों बिजनेस कैसे छोड़ेंगे किसी प्रोडक्ट के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। बहुत सिंपल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आज तक जो करते आए थे वही करना है, जो आज तक आपने लाइफ में किया हो, अपने इंडोर्समेंट प्रमोशन लोगों को बताने का काम। आपने क्या किया, 4,000 रुपए का सामान वस्ती से आप परचेस करके लेके गए, यूज करने की शुरुआत करी, आपको प्रोडक्ट पसंद आए, आप TSS गुरुकुल का पार्ट बने, आपने टीम सोनू शर्मा के एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बने और उसके बाद में टीम सोनू शर्मा ने आपको गाइड किया कि कैसे बिजनेस को करा जाता है, इस बिजनेस को कैसे प्रमोट किया जाता है, इसके डूज क्या है, डोंट्स क्या है, आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी। और आप सीखते सीखते पहले महीने में 6 लोगों की टीम तक पहुंचोगे, आप पकड़ के 7 लोगों की टीम हो चुकी है। हर कोई 4,000 का सामान कंज्यूम करेगा, 28,000 का टोटल सब कंजम्पशन होगा और आपके और मेरे घर पे आने वाली राशि होगी ₹2,800। और उसी के साथ साथ में ₹3,250 का प्रोडक्ट हमें फ्री मिलेगा अगर हम ये काम सिर्फ एक महीने के अंदर में 6 डिफरेंट फ्रंट लाइन के अंदर में करते हैं तो। और जैसे ही दूसरा महीना शुरू हो जाता है, इन 6 लोगों को भी विश्वास आ जाता है, इनको भी लगता है कि नहीं यार प्रोडक्ट अच्छे, हम शेयर कर सकते हैं। इन 6 लोगों को आप मदद करते हुए 6 लोगों तक इस मिशन को पहुंचाओगे, टोटल हर कोई 6 लोगों तक मिशन को पहुंचाएगा, 36 लोगों की टीम बनेगी। पुराने 43 लोगों की टीम बनी, हर किसी ने 4,000 का सामान कंज्यूम किया, 1,72,000 का सामान आपकी पूरी टीम में कंज्यूम हुआ और आपके और मेरे घर पे आने वाली राशि होगी ₹17,200। तीसरी चीज है, ये 6 लोग मिला के 36 लोगों तक इस मिशन को पहुंचाते हैं। दोस्तों 36 लोगों ने अगर 246 लोगों की टीम साइज बनती है, हर कोई 4,000 का सामान कंज्यूम करता है और 1,00,000 रुपए का सामान हमारी पूरी टीम में कंज्यूम होता है। और बता दिए, बहुत अच्छा लगता है, आपके और मेरे घर पे पहली 6-figure अर्निंग आना शुरू हो जाती है। अगर आप इस मॉड्यूल के थ्रू काम करते हैं तो आपके घर पे 4th महीने से 1,00,000 रुपए आ सकता है। अगर आप इस मॉड्यूल को फॉलो करते हैं तो 1,00,000 रुपए महीने की आने की संभावना है और 5वें महीने में आप देख सकते हो यहाँ पे ये कारनामा बहुत बड़ी लेवल पे पहुंच चुका होगा। जैसे ही मुझे 1,00,000 रुपए दिखाए, मेरे दोस्त में बाजू वाले में झूम पे हम लोग देख रहे थे, उसने मुझे फोनी मारी, बोला भाई साहब ये दिखाते हैं आते वाते कुछ नहीं। उसने क्या बोला, ये सिर्फ दिखाते हैं आते वाते कुछ नहीं, मेरे चेहरे पे स्माइल आई। मैंने बोला पगले मुझे एक चीज बता, इस 1,00,000 रुपए को देखने में इतना मजा आ रहा है, सोच के देख इसका आधा भी घर पे आएगा तो परमानंद नहीं आएगा? अगर इसको देखने में इतना आनंद आ रहा है तो इसका आधा भी घर पे आएगा तो इसका परमानंद नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मेरे को एक चीज समझ में आई थी, अगर आज से 4 महीने पहले मैं अगर अपने आपको देखूं तो क्या करता था मैं, अपने घर पे कुछ नहीं करता था। अगर मैं आज एक बिजनेस की शुरुआत करता हूं, दिन के 2-3 घंटे जो मैं टाइम पास में वेस्ट करता था, अगर मैं उसको यहां पे देता हूं, उस बिजनेस को सीखता हूं, समझता हूं, लर्न करता हूं, तो 3,000 रुपए के अंदर में यार एक पिज्जा पार्टी ढंग से नहीं होती है, 3,000 रुपए के अंदर में जींस और टी शर्ट ढंग से नहीं आता है, 3,000 रुपए के अंदर में 14 फरवरी का गिफ्ट अच्छे से नहीं होता है। दोस्तों उसी पैसे के बदले में आपको बिजनेस शुरुआत करने का मौका मिलता है। और अगर आप इस बिजनेस के अंदर में, छोड़ो मैं बोलता हूं 1,00,000 रुपए, इसका 10% भी हर महीने के अंदर में अपने घर के लिए जनरेट कर पाए, तो बीइंग एन स्टूडेंट 10,000 रुपीज आप 4th महीने से अर्निंग करना शुरू कर दोगे तो क्या कोई बुरी बात है? अगर आप एक हाउस वाइफ है और अपने पति के साथ में सपोर्ट करना चाहते हैं तो 10,000 रुपीज हर महीने की कमाएंगे तो कोई बुरी बात है? दोस्तों आज के समय के अंदर में आपको और मुझे पता है कि हमारी फैमिली के अंदर में कहीं ना कहीं पर फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर में ऊपर नीचे है। और अगर बीइंग एन रिस्पॉन्सिबल हमारे घर का फैमिली मेंबर अगर आप एक नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं, 10,000 रुपीज भी एक्स्ट्रा महीने के कमाते हैं, मैं बोलता हूँ छोड़ो यार, आने वाले 6 महीने आपको बिजनेस को सीखने में लग गए, 6 महीने के बाद में भी अगर आपको 10,000 रुपए महीने के आते हैं तो क्या बुरी बात है? आज से कुछ महीने पहले कुछ लोगों ने हमारे साथ में शुरुआत करी थी, देखिएगा उनके जिंदगी के अंदर में क्या क्या परिवर्तन आया। काम 1 बार में करना है, इनकम आपको 9 बार में मिलेगी, आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, ब्रांच डायरेक्टर बोनस मिलेगा, बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलेगा, उसके साथ साथ में लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, आपके ट्रैवल का एक्सपेंसेस कंपनी देती है,
एक पोजीशन के बाद में कार का एक्सपेंसेस देती है, हाउस का एक्सपेंसेस देती है, और उसके साथ साथ में इलाइट क्लब कंपनी टर्नओवर के 2% के अंदर में आप हिस्सेदार बन जाते हो। जब आप डीसीडी बन जाते हो तो 9 times की इनकम आपको मिलती है वेस्टीज के अंदर में, काम एक बार में, इनकम आपको 9 बार में मिलती है। आपको करना क्या होगा, वेस्टीज की ऐप को डाउनलोड करना है और हमारे जिस दोस्त ने आपको कनेक्टिविटी कराई थी उसके साथ में कॉल पे बात करनी है, उनके साथ में बात करके आपके साथ में कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। और आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो आपको यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स को यूज करने का इसके थ्रू मौका मिलेगा, और आपको सिर्फ आईडी लगानी है, आईडी का ओटीपी यूजर नेम पासवर्ड आपको मिल जाएगा, और इसके बाद में आप यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कर सकते हो और इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। आगे लेके चलूंगा, व्हाई टीम सोनू शर्मा, सोनू शर्मा ही क्यों, टीम सोनू शर्मा का ही पार्ट क्यों बनना, क्योंकि बस्ती 17 साल से चल रही है। दोस्तों हम लोग कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छी लेवल पे कर रहे हैं, डिजिटल लर्निंग विद एक्सपर्ट। आज आपके पास में और मेरे पास में डिजिटल लर्निंग करने का मौका मिलता है, TSS के साथ में एक्सक्लूसिव ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमें मिलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ऑफर्स ऑन प्रोडक्ट्स के ऊपर में बहुत सारी ऑफर्स मिलती है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे हर सुबह 5:15 मेरी तरफ से इस इंडस्ट्री के अंदर की जितनी भी मेरे पास में नॉलेज है उस नॉलेज को आपको मैं शेयर करने का मौका मुझे मिलता है। पिछले 13 महीने से 5:15 हम लोग 5 AM क्लब, अभी उसको हम लोग TSS गुरुकुल के नाम से चलाते हैं, 5:15 आपको इस सेशन को अटेंड करने का मौका मिलेगा। 7 days स्किल सेट, 7 days माइंड सेट, 7 days लीडरशिप, और 5 दिन का सोशल मीडिया टोटल हर महीने के अंदर में ये आपको शेड्यूल के द्वारा सिखाया जाता है, जहां पे आप आने वाले 3 महीने के अंदर में परफेक्ट स्टूडेंट, परफेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लीडर बन जाते हो। और सबसे लास्ट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनल मेंटरशिप बाय टीम सोनू शर्मा, सोनू सर के साथ में डायरेक्टली पर्सनल मेंटरशिप मिलती है आज हमें, और आपको उनके एक्सपीरियंस के द्वारा ग्रो करने का मौका मिलता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो यहाँ पे लास्ट 3 महीने का पेआउट दिखाया गया आपको 10,69,000, अगर इसमें लास्ट महीने का ऐड कर लिया जाए तो दोस्तों लगभग 15,80,000 रुपए के करीबन का लास्ट 4 महीने का पेआउट है। आपने सही सुना, लास्ट 4 month इनकम इज 15,60,000 रुपीज के करीबन करीबन है, 15 लाख रुपए के करीबन करीबन लास्ट 4 महीने का पेआउट है मेरा। और ये छोटी सी कार मैंने उम्र के 23 साल के अंदर मैं अपने आप को इसी इंडस्ट्री से गिफ्ट करी थी, ऑडी A3 मैंने अपने आप के लिए गिफ्ट करी थी। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अनिकेत गड़ाख नासिक से बिलोंग करते हैं, लास्ट 3 महीने की इनकम 3,34,000 है, और लास्ट महीने की इनकम अगर इसमें कैलकुलेट करी जाए तो 1,72,000, तो अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो 5 लाख रुपए की इनकम पिछले 4 महीने के अंदर में, और उम्र 20 साल है, 21 साल की उम्र का बच्चा, 20 साल की उम्र का बच्चा 4-5 लाख रुपए पिछले 4 महीने के अंदर में कमा चुका है। और आप में से किसी को भी इसमें डाउट हो कि सच में पैसे आते कि नहीं आते, बिल्कुल आप किसी भी पर्सन के साथ में हमारे कनेक्ट हो जाइए, वो आपको बैंक स्टेटमेंट तक प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद में है अक्षय कुमार अग्रवाल जी, जहां पे आप यहाँ पे देख सकते हो यूपी से बिलोंग करते हैं, 1,10,000 रुपए का पे आउट है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने आज हमारे साथ कुछ दिन पहले शुरुआत करी थी, 27 रुपीज का पे आउट, आज 3.5 लाख रुपए है पिछले 3 महीने की इनकम है। कार्तिक साकला जी की, शुभम जैन जी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, 85,000 का पे आउट है। शुभम देशमुख जी जिन्होंने आपको इंट्रो पार्ट दिया, 78,000 रुपीज का पे आउट है। हमारे साथ में है यहाँ पे अखिलेश गुप्ता जी, 80,000 का पे आउट है लास्ट 3 महीने का, NIT से पास आउट है। कृष्णा खिल्लारी जी 60,000 रुपीज का पे आउट है, महाराष्ट्र अहमदनगर एक छोटे से फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में सेजल जी 36,000 रुपीज का पे आउट है, राम महाजन जी 74,000 का पे आउट है, अजिंक्य हजारे जी 51,959 रुपीज का पे आउट है। और सबसे अच्छी बात यह है उम्र की 20 साल के अंदर में यह लड़का अपने खुद के कार का ओनर है, जिन्होंने अपने आप के लिए 8.5 लाख रुपए की कार गिफ्ट कर चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो अजीत चौहान के जी 75,000 का लास्ट महीने का पे आउट है, और उसके साथ साथ मैं अपने आप के लिए इसी महीने के अंदर मैं डिलीवरी करने जा रही टाटा टियागो कार की। और ऐसे बहुत सारे सपने बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट किया। मिस्टर सोनू शर्मा सर द ब्रांड नेम इटसेल्फ, मिस्टर सोनू शर्मा सर एस क्लास परचेस करी है इन्होंने वेस्टीज के द्वारा, इनकम के अंदर में यस क्लास मर्सिडीज यस क्लास अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ के करीबन की गाड़ी आती है। और दोस्तों करना क्या होगा, बहुत सिंपल है, आपको आपके किसी भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ को आपको हमें सबमिट करना होगा, और उसका ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, ओटीपी के द्वारा वेरिफिकेशन होगा और वैलिड ईमेल आईडी के द्वारा वेरिफिकेशन होगा, और आपकी आईडी प्लेस हो जाएगी। जैसे आपकी आईडी प्लेस हो जाएगी, नाउ यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन वेस्टीज, और वेस्टीज के साथ में प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, बहुत ध्यान से समझेगा, अंडरस्टैंड द सिस्टम, सबसे पहले सिस्टम को अंडरस्टैंड करिए, लर्निंग करिए, अप्लाई द ट्रेनिंग एंड टीच द पीपल, लर्न अप्लाई एंड शेयर फॉर्मूले के ऊपर हम चलते हैं। आपको सारी चीजें सिखाई जाती है, लर्निंग माइंडसेट से आना पड़ेगा 6 महीने से लेकर 1 साल तक, अगर आप आते हैं तो बहुत सारी चीजें आप आपको सीखने का मौका मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप अगर कुछ भी डाउट्स आपके पास में है, कुछ भी क्वेरीज आपके पास में है, तो आप हमारे साथ में किरण गड़ाख ऑफिशियल के अंदर में कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप TSS के बारे में, TSS के सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप सक्सेस विद TSS यूट्यूब चैनल के ऊपर में भी हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूं जिन लोगों ने आज से कुछ महीने पहले हमारे साथ इस बिजनेस की शुरुआत करी और आज वो लोग बहुत अच्छी लेवल पर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं कुछ
लोगों से जिन्होंने आज से कुछ महीने पहले हमारे साथ शुरुआत करी, द वेरी फर्स्ट पर्सन, द डैशिंग लीडर रोहित लाल जी फ्रॉम रांची झारखंड से हमारे साथ में है और आज आप लोगों के सामने है। इनकी छोटी सी जर्नी एक मिनट के अंदर में रोहित जी आप अपने लाइफ के बारे में बताएंगे कि आपने कब शुरुआत करी, किस तरीके से शुरुआत करी और आपकी लाइफ के अंदर में क्या क्या चेंजेस आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से आए। ओवर टू यू सर। Yes, thank you so much, Kiran sir, for having me here. Hi guys, this side Rohit Lal. I'm basically hails from Ranchi, Jharkhand. और आज से कुछ समय पहले as a student इस सिस्टम को देखा, समझा, जाना और जानने के बाद एक ही चीज समझ में आई कि जो प्रोडक्ट रेगुलर यूजर्स के मैं बाहर से परचेस करता था वही प्रोडक्ट मुझे यहाँ से लेना है। माई डियर फ्रेंड्स, आपने पूरे कॉन्सेप्ट समझने पर एक चीज क्लियर की होगी कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से परचेस करते हैं तो परचेस करने के बाद हमें लोगों को रिकमेंड करना है और जेन्युइनली बचपन से लेके आज तक हमने वही किया है। इधर हमने गैजेट के लिए लोगों को रिकमेंड किया, हमने बर्थडे के लिए लोगों को रिकमेंड किया, हम के लिए लोगों को हमने रिकमेंड किया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक हमें पहले क्या मिला, राइट? बचपन से लेके आज तक हमने सेम काम किया, लोगों को रिकमेंड किया, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताया जिन्हें हमें नहीं पता था, फिर भी हमने लोगों को रिकमेंड किया, लेकिन फिर भी हमें वहां से कोई भी चीज नहीं मिली एक्सेप्ट थैंक यू। हमें सिर्फ और सिर्फ थैंक यू मिला है। माय डियर फ्रेंड, मैं पूछना चाहता हूँ, बचपन से लेके आज तक आपने बहुत सारे थैंक यू कलेक्ट किए, थैंक यू कलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, राइट? आप उस थैंक यू को लेकर बैंक गए होंगे और बैंक में वो थैंक यू सबमिट किया और सबमिट करने के बाद बैंक के मैनेजर ने आपको बड़ा थैंक यू दे दिया। इट मीन्स व्हाट? कि आपको कुछ भी नहीं मिला, राइट? इस एग्जांपल से मैं बताना क्या चाहता हूँ कि हमारे अंदर टैलेंट तो था कि हम लोगों को चीजों के बारे में बता पाए, बट उस चीजों के बताने के बाद हमें कुछ नहीं मिलता था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद बीइंग अ स्टूडेंट मुझे एक चीज समझ में आ चुकी थी कि अगर मैं लोगों को रिकमेंड करता हूं तो मुझे यहां से एक इनकम का सोर्स मिल रहा है और कहीं ना कहीं हम गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को जरूरत है। ऑन द वेरी डेली बेसिस लोग अपने गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक की प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे लेकिन वहां पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। मैं पूछना चाहता हूं कि बचपन से लेकर आज तक हमने लाखों रुपए अपने गुड्स के ऊपर खर्च किए लेकिन हमें क्या मिला? कौन सी मर्सिडीज आई, कौन सा बंगलो आया, कौन सा जगवार आया? नहीं आया ना। आज इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मुझे एक चीज तो क्लियर हो चुकी थी और आपको भी क्लियर हो गई होगी कि अगर मैं अपने डेली नीड्स की प्रोडक्ट के बारे में अगर लोगों को बताना स्टार्ट किया, रिकमेंड किया, तो सिंपल एक सोर्स ऑफ इनकम हम कर सकते हैं। और इस पेंडेमिक के अंदर मुझे लगता है कि हमेशा एक सोर्स ऑफ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा, अगर चींटी का झुंड आपने देखा होगा, राइट? अगर वर्षा होती है, बारिश होती है, तो चींटी का झुंड पहले ही अपने खाने का इंतजाम कर लेती है, राइट? पहले ही अपने खाने का इंतजाम कर लेती है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इस पेंडेमिक में भी बहुत सारी ऐसी चीज है जो हमें नहीं मिलती है टाइम पे। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा लास्ट में कि अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में एक पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हैं तो इस सिस्टम से एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जरूर सोचिएगा। मैंने यही सोच के साथ आज से 9 महीने पहले स्टार्टिंग की थी। मुझे पता है पहले महीने की इनकम मेरी सिर्फ और सिर्फ 900 रुपीज थी, सिर्फ 900 रुपए। पता है क्यों? क्योंकि पहले मंथ में सीख था। आपने देखा होगा किरण सर ने बहुत सारे अच्छे तरीके से सारे प्रेजेंटेशन को डिलीवर किया। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सीखा होगा, हमने भी सीखा, राइट? सेम चीज हमने कॉपी की और अपने स्किल्स, अपने डेवलपमेंट, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया और सीखते सीखते मुझे कमाने का मौका मिला। और मेरी लास्ट महीने की इनकम बताना चाहता हूँ, मेरी लास्ट महीने की इनकम 43,000 रुपीज है। ये कैसे हो पाया? जस्ट बिकॉज मैंने एक नेटवर्क को बिल्ड किया, बहुत सारे लोगों की हेल्प की, गाइड किया, उनको कोच किया और आज भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में। माई डियर फ्रेंड्स, अकेले कमाना बड़ी बात नहीं है, लोगों को कमाना बहुत बड़ी बात है। और ये हम नहीं कहते, हमारे गवर्नमेंट भी कहते, राइट? लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस आर सेम फॉर विनर्स एंड लूजर्स। सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस आर सेम फॉर विनर्स एंड लूजर्स। विनर ब्रेक द रिकॉर्ड एंड लूजर्स ब्रेक देमसेल्फ। थिंक अबाउट यू, हु आर यू मैन। थैंक यू सो मच किरण सर फॉर हैविंग मी हियर। एंड गाइस, लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा कि जिस किसी पर्सन ने भी आपको ये लिंक शेयर किया उसको थैंक यू बोलिएगा और उससे पूछिएगा कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आइदर 282 PV आइदर 100 PV, राइट? और स्टार्ट करने के बाद हम आपको गाइड करेंगे, कोच करेंगे और आपको हमारे साथ एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच किरण सर, ऑल द बेस्ट यार। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पर्सन से मैं आपको मिलवाना चाहूंगा, हमारे साथ में बिलोंग करते हैं नासिक से अजीत चौहान के जी, जिन्होंने आज से कुछ महीने पहले इस बिजनेस की शुरुआत करी, 75,000 रुपीज के लास्ट महीने के पेआउट को एंजॉय कर रहे हैं। उम्र मात्र 20 साल है और मैंने आपको क्या बोला, हम जो बोल रहे हैं उस पर विश्वास ना करें, हम मंगवा आपको बोल सकते हो सर, आई वांट योर बैंक स्टेटमेंट, पीपल आर रेडी टू गिव यू बैंक स्टेटमेंट। यस दोस्तों, आप सब लोगों के एक्साइटमेंट के साथ में स्वागत करना चाहूंगा अजीत चौहान के जी का, जो हमारे साथ में नासिक से बिलोंग करते हैं। अजीत जी, ओवर टू यू।
यस सर, थैंक यू सो मच आप मुझे बोलने का चांस दिया। हे गाइस, हेलो एवरीवन, दिस अजित चमन के। बेसिकली मैं नासिक से बिलोंग करता हूँ और अपना इस प्रेजेंटेशन को आप देख रहे हो उसी प्रेजेंटेशन को आज से एक्जैक्टली एक साल पहले देखने का मौका मिला था। उस टाइम पे अपना फर्स्ट ईयर बीए का एजुकेशन कर रहा था और जैसे प्रेजेंटेशन देखा बहुत एक्साइटेड हुआ। और एक्साइटेड क्यों ना हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अगर शुरुआत करने से अगर हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली जहाँ से हम अपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जहाँ से हम अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, सोनू सर के साथ जुड़ने का मौका मिलने वाला था, अगर ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में होने वाली थी तो डेफिनेटली एक्साइटेड था और शुरुआत करने का डिसीजन लिया था दोस्तों। बट वो कहते हैं ना, कोई भी अच्छी चीज होने से पहले कोई ना कोई दिक्कत आती है। मेरी जिंदगी में इनिशियल में प्रॉब्लम आया कि मैंने जैसे ही अपने पापा को बताया कि पापा मुझे ऐसा बिजनेस शुरुआत करना है, पापा बोले नहीं बस एजुकेशन के फोकस करें। बट मुझे एक चीज क्लियर थी कि जो मैं फर्स्ट ईयर बीए का एजुकेशन कर रहा हूँ, अगर इसे अगले 3 साल 4 साल भी करता तो कोई गारंटी नहीं ज्यादा कुछ हो पाएगा। बट हाँ, एजुकेशन के साथ में बहुत सारे टाइम ऐसा करता हूँ जिसमें वेस्ट करता हूँ, तो उसी के साथ अगर दिन के 2-3 घंटा प्रॉपरली मैं देता हूँ तो हो सकता है 100% जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और यहाँ से शुरुआत किया, डिसीजन लिया और कहीं पर भी घर वाले मना कर रहे थे, बट फिर भी बाहर से अरेंज किया, दोस्तों से अरेंज करके शुरुआत किया। बट उसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि जहां पर एक साल के अंदर बहुत सारे लोगों की इनकम बंद थी, बहुत सारे लोगों के मतलब जॉब बनते हैं, बट उसी समय पे आज सेकंड ईयर बीए गोइंग स्टूडेंट लास्ट 6 महीने से हर महीने की जो इनकम है वो 30,000 को क्रॉस करती है, लास्ट 3 महीने की इनकम 50,000 रुपए क्रॉस करती है दोस्तों। और इस महीने की भी जो इनकम है वो 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में रहेगी दोस्तों। आज बहुत खुशी होती है इस इंडस्ट्री के बावजूद इतनी सारी चीजें अपनी जिंदगी में कर पाया। आज खुद के लिए 93,000 कैसे आपने सुना, खुद के 93,000 रुपए का एप्पल का लैपटॉप खुद के लिए परचेस कर चुका। और यही नहीं तो आज खुद के लिए 7.5 लाख रुपए की उम्र मात्र 19 साल है दोस्तों, और 7.5 लाख रुपए की टाटा टियागो कार खुद के लिए बुक कर चुका हूं। मैं सोचता देखता हूं ये मेरा पोटेंशियल नहीं दोस्तों, बस ये इंडस्ट्री की वजह से पॉसिबल हो पाया कि जहां से आज हर महीने की इनकम 70,000 से लेकर 80,000 रुपए को जनरेट कर रहा हूं दोस्तों। और यह आपके साथ भी हो सकता है 100%, बस आपको डिसीजन लेना पड़ेगा दोस्तों। जैसे मैंने डिसीजन लिया और जो सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई 100% आपकी जिंदगी में आई। अगर आप चाहते हो कि 100%, आप चाहते हो कि अगर आपके पास डिग्री नहीं, आप चाहते हो आपके पास एजुकेशन अच्छा नहीं, फिर भी आप महीने के 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो दोस्तों, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। सो थैंक यू सो मच किरण सर यहाँ पर मुझे बोलने का चांस दिया। सर की ब्लेसिंग एंड सर ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पर्सन से आपको मिलवाना चाहता हूँ, मेरे साथ में है अजिंक्य हजारे जी, जिनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बात करी थी। 20 साल की उम्र है, लड़का अपनी खुद की कार चलाता है और बता दे बहुत अच्छा लगता है, 50,000 से 60,000 रुपए मंथली इनकम को एंजॉय कर रहा है, उम्र 20 साल है। और मैंने आपको वही वापिस वही बोला कि हमारी बातों पर विश्वास ना करिए, आज आप इनकी कार का इनका आरसी मंगवा सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आज 20 साल की उम्र में कार के ओनर बन चुके हैं। आप सब लोगों के एक्साइटमेंट के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा अजिंक्य हजारे जी फ्रॉम पुणे। Yes, sir, everyone, guys, this is Arjinkya Hazare. Basically, I belong from Pune. और जिस कंसेप्ट को आज आप देख रहे हो उस कंसेप्ट को ठीक आज से लगभग 1 साल पहले देखने का मौका मिला था, जब मैं अपने कॉलेज के अंदर में अपने बीबीए फर्स्ट ईयर डिग्री को परसीव कर रहा था। उस समय मेरे एक दोस्त ने मुझे इस कंसेप्ट के साथ में रूबरू करने का मौका दिया था। गाइस बताना चाहूंगा, जब इस कंसेप्ट को देखा तब दो चीजें मेरे क्लियर हो चुकी थी। सबसे पहली चीज, आज तक दुकान बदल जाए थे फायदा हुआ नहीं था और ना कभी होने वाला है, लेकिन वेस्टिज के साथ में अगर आप काम करना शुरू कर देते हो तो मेरा सबसे पहले एक चीज मुझे कि यहाँ पे मेरा फायदा तो बहुत कुछ है, नुकसान तो कुछ नहीं है। उसी सोच को लेकर मैंने इस बिजनेस कंसेप्ट के साथ में काम करना शुरू किया गाइस, बिकॉज यहाँ पे मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा था कि दुकान चेंज करके इस बिजनेस के साथ में काम करके 18-19-21 साल के लड़कों ने आज इस कंसेप्ट के अंदर में लाखों रुपए की इनकम को एंजॉय कर रहे थे, अपने वो सारे सपनों को पूरे कर चुके थे, जो सपने मैं भी कहीं ना कहीं पे देखा करता था। और उस चीज को सोचकर मैंने इस बिजनेस के साथ में काम करना शुरू किया गाइस, और उसका नतीजा ये हुआ कि शुरुआत में जब काम करना शुरू किया, मेरे पहले महीने की जब इस बिजनेस से पे आउट बनी तो मात्र 552 रुपए की मेरे फर्स्ट मंथ की इस बिजनेस से पे आउट बनी थी। उसके बाद में लगा कि ये बिजनेस मुझसे होगा या नहीं होगा, लेकिन अपलाइन के सपोर्ट की वजह से, किरण सर, विनायक सर, सोनू शर्मा सर सपोर्ट की वजह से, अगर आज मैं आपको बात बताऊं तो गाइस आज 1 साल मुझे इस बिजनेस कांसेप्ट के अंदर में हो चुका है। 19 साल उम्र थी जब इस कांसेप्ट के साथ में काम करना शुरू किया था, आज करीबन 1 साल मुझे कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट 1 साल की इनकम की बात बताऊं तो 5.5 से 6 लाख रुपए मैं इस बिजनेस कांसेप्ट से कमा चुका। और लास्ट 2 महीने की इनकम की बात बताऊं तो 1,01,190 रुपए की मेरे लास्ट 2 महीने की इनकम है। और पिछले लॉकडाउन में किया हुआ बिजनेस जब 552 रुपए की चलनी थी और आज करीबन 50 से 60,000 रुपए पर मंथ इस बिजनेस से अर्न कर पा रहा हूं। बड़ी बात ये नहीं गाइस, मैं 50 से 60,000 बड़ी बात आज अगर मेरे 19-20 साल के अंदर मैं बीबीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की डिग्री लेकर मार्केट में जाता हूं तो मुझे नहीं लगता कोई भी मुझे 15-20,000 की तनख्वाह देगा, लेकिन इस बिजनेस कंसेप्ट के साथ में आज पर मंथ 50 से 60,000 रुपए की अर्निंग कर पा रहा हूं। और उसी के साथ में मैंने अपने आप को 2 अचीवमेंट्स गिफ्ट की थी गई, जिसके अंदर में सबसे पहली अचीवमेंट थी कि मैंने अपने आप को पिछले लॉकडाउन के समय पे 55,000 रुपए का सेल्फ और इस बिजनेस कंसेप्ट से गिफ्ट किया था। एंड द सेकंड अचीवमेंट, मैंने अपने आप को ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली 19 साल की उम्र ने आपको 8.5 लाख रुपए की Hyundai Grand 8 Neos कार इस कंसेप्ट से गिफ्ट कर चुका था। ये उस कार की है गाइस आप सभी लोग के सामने। आज 19-20 साल की उम्र में अपनी सारी चीजों को चलाते हुए अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को एंजॉय करते बहुत मजा आता है। मैं जितने भी यंगस्टर्स यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को बस एक ही मैसेज
डिसीजन लीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी इस समय पैंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, ना कुछ खुलने वाला है, ना कहीं पे जाके कुछ होने वाला है। लेकिन अगर हम इस समय अगर इस वेस्टेज के साथ में, इस अपॉर्चुनिटी के साथ में काम करना शुरू कर देते हैं, तो आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर में आप भी वो आपके ड्रीम इनकम को हासिल कर सकते हो, आपके सारे के सारे सपनों को इस बिजनेस कंसेप्ट से पूरा कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट पर्सन से हम मिलवाते हैं आपको, जिनके बारे में मैंने आपको बात करी, उम्र 20 साल है और 20 साल के अंदर में पिछले एक साल के अंदर में 17 लाख रुपए से ज्यादा पैसा आया है, 17 लाख रुपीज। वापिस मैंने बोला कि अगर उनको विश्वास नहीं है, बोलते हैं जिनको होते हैं विश्वास वो पत्थरों को भी पूछते हैं, और जिनकी सोच में होते हैं पत्थर उनको पत्थर ही सोचते हैं। दोस्तों मैं बताने की कोशिश क्या करता हूँ, अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय गॉड, अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय गॉड बट फॉर दोज हु आर अवेयर अबाउट दैट। और आप सब लोगों के साथ में 20 साल के यंगेस्ट मिलियनेयर को इन्वाइट करना चाहूंगा, बैंक स्टेटमेंट के साथ में आज आपको मिलने जा रहे हैं, प्लीज हेल्प मी इनवाइट मिस्टर अनिकेत गडाख जी फ्रॉम नासिक। अनिकेत जी, ओवर टू यू सर। यस सर, थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, अनिकेत दिस साइड। और दोस्तों जो प्रेजेंटेशन आप लोग आज देख रहे हो, यही प्रेजेंटेशन को आज से 13 महीने पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे दिखाया था। जब मैं इस प्रेजेंटेशन को देख रहा था मुझे ज्यादा चीजें समझ में नहीं आई थी, मुझे बस इतनी चीज समझ में आई थी कि अनिकेत तुझे यहाँ पे करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आज से पहले तेल साबुन शैम्पू चाय पत्ती हेयर ऑयल किसी और दुकान से ले रहा था, वही चीजें मुझे वेस्टीज की दुकान से लेनी है। मैंने वेस्टीज की दुकान से प्रोडक्ट को परचेस करने का डिसीजन लिया और वेस्टीज के साथ में इस बिजनेस को भी कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। इसका मुझे फायदा ये हुआ कि मेरे पहले महीने की इनकम 1300 रुपए बनी, मेरे दूसरे महीने की इनकम 2290 रुपए बनी, तीसरे महीने की इनकम 10800 रुपए गई, लेकिन अगस्त महीने से पर मंथ 1 लाख रुपए की इनकम की जनरेट, 1 लाख रुपए की पर मंथ इनकम को जनरेट करने का मौका आज मुझे वेस्टीज से मिल रहा है। मेरी मार्च महीने की जो इनकम गई थी दोस्तों इसी बिजनेस के बदौलत 1,33,000 रुपए गई थी, मेरी अप्रैल महीने की जो इनकम गई वो 1,72,000 रुपए गई, और आई होप कि इस महीने अप्रोक्सीमेटली यही इनकम 2.5 लाख रुपए पर मंथ पे जाने वाली है। बताने की कोशिश बस इतनी कर रहा हूं दोस्त, आज मेरी उम्र अप्रोक्सीमेटली 20 साल है, 20 साल की उम्र के अंदर में अगर मैं मार्केट में चला जाऊंगा कोई मुझे 5 से लेकर 10,000 रुपए का जॉब भी नहीं देगा, लेकिन आज मैं वेस्टीज के साथ में कनेक्टेड हूं, ये जैसी अपॉर्चुनिटी के साथ में मैं वर्किंग कर रहा हूं और इसी की बदौलत आज मैंने की 1 लाख रुपए की इनकम को जनरेट कर रहा हूं। 13 महीने हो चुके हैं दोस्त इस बिजनेस के अंदर में आते हुए, लास्ट 13 महीने की अर्निंग अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपए से भी ऊपर जा रही है, और साथ ही साथ इसी बिजनेस के बदौलत अपने आप के लिए 7.8 लाख रुपए की बलेनो जैसे कार को मुझे परचेस करने का मौका मिला है। बहुत सारे लोगों की मन के अंदर में ये भी संदेह होगी कि सर जो इनकम आप लोग दिखाते हो क्या ये इनकम अकाउंट के ऊपर में आती है, सर जो इनकम आप हमें दिखाते हो क्या उनका इनकम सच में आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर में आप लोग दिखा सकते हो क्या। यस, सो मैं आप लोगों के सामने मेरा जो बैंक स्टेटमेंट है वो यहां पे शेयर करने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि सच में ये जो अमाउंट है आपके अकाउंट के ऊपर में भी 110% आती है। आप लोग यहां पे देख सकते हो कि ये मेरा ही नाम है, आप लोग यहां पे देख सकते हो अनिकेत मच्छिंद्र गडाक, और मैं आप लोगों के सामने के द्वारा एनईएफटी हुई स्टेटमेंट को यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हर 10 तारीख को वेस्टीज से हमारे अकाउंट के ऊपर में पैसा आता है, 10/5/2021 एनईएफटी वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड 1,27,950 रुपए। यस, ट्रैवल फंड और कार फंड को सेव रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टीडीएस टैक्स कट करके हुए 1,27,000 रुपए मेरी अकाउंट पे वेस्टीज की वजह से आया है, हर महीने 10 तारीख को आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 10/5। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यहाँ पे 10/4 के अंदर में भी माय डियर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को लेके जाना चाहूंगा, और 10/4 के अंदर में भी आप लोग देख सकते हो कि यस 9 तारीख को आया था शायद से अकाउंट के ऊपर में 9/4/2021 एनईएफटी वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड 99,000 हैज बीन क्रेडिटेड टू माय अकाउंट। तो बताने की कोशिश सिर्फ इतनी कर रहा हूं दोस्त कि आज उस बिजनेस की वजह से आपके अकाउंट के ऊपर में पैसा भी आएगा, आपके घर के अंदर में खुशी भी आएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, आई टू आई कॉन्टैक्ट भी डेवलप होगी, और आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करने का मौका भी इस बिजनेस की वजह से मिलेगा। बस करना कुछ नहीं है, डिसीजन लेना है और शुरुआत करनी है। आज मैंने कहीं पर सुना था आदमी जो भी बनता है सिर्फ और सिर्फ उसकी डिसीजन की वजह से बनता है। आज आपके पास मौका है डिसीजन लेकर आपको इस बिजनेस के साथ में जरूर शुरुआत करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच किरण सर, एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच अनिकेत जी, और मुझे लगता है 20 साल की उम्र में मार्केट के अंदर में एक अजूबे से कम नहीं है जहाँ पे एक इंसान 1.5-2 लाख रुपए महीने की अर्निंग कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी करेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ आप अगर सीखेंगे समझेंगे सारी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे सिस्टम को फॉलो करेंगे तभी आप कमा पाएंगे। मतलब अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ऐसा नहीं है कि रातों रात अमीर बन जाएंगे, बट अगर आप इस बिजनेस को करते हैं समझते हैं सीखते हैं जानते हैं अंडरस्टैंड करते हैं इस बिजनेस के सिस्टम को समझते हैं, और अगर आने वाले साल 2-3 साल सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार है तो जो चीजें इन लोगों के पास में वो चीजें आपके और हमारे पास में आने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। मैं नेक्स्ट पर्सन सबको इन्वाइट करता हूँ। ये लड़का मेरे पास में आया था आज से 1 साल एग्जैक्टली 1 साल पहले, मुझे बता रहा था कि सर उम्र के बहुत कम साल के अंदर में ही मेरे पापा जी का छत मेरे ऊपर से निकल गया, सारी जिम्मेदारियां मम्मी ने निभाई है, सर इस बार मैं मम्मी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरी इंजीनियरिंग
के लिए मम्मी ने बहुत सारा खर्चा किया है, जॉब नहीं मिल रही है, बहुत सारे क्लासेस लगाने की जरूरत पड़ रही है, मेरे पास में पैसा नहीं है सर, आज मैं 10-15-20 हजार रुपए भी मुझे महीने के मिलते हैं सर मैं सेटिस्फाइड हूँ, बट प्लीज मुझे कोई ना कोई ऐसा रास्ता दीजिए जिस रास्ते के द्वारा मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ। और दोस्तों बता दें बहुत अच्छा लगता है, आज वही लड़का 15 हजार रुपए के लिए आया था, पहले ही महीने की इनकम 25 हजार रुपए है और आज लाखों रुपए महीने की इनकम को जनरेट कर पा रहे हैं। आप सब लोगों के एक्साइटमेंट के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा शुभम देशमुख जी का। शुभम जी, ओवर टू यू सर। यस सर, और थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। दोस्तों मेरा नाम शुभम देशमुख है, अभी मैं पुणे से आप सब लोग सामने बात कर पा रहा हूँ और एग्जैक्टली एक साल पहले जिस तरीके से आपने इस कॉन्सेप्ट को देखा दोस्तों, बस इसी तरीके से मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा था। जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा इसके अंदर मुझे ज्यादा तो कुछ चीज पता नहीं चली थी, बस इतना पता चल चुका था इसके अंदर करना क्या है। करना एकदम सिंपल चीज है, बोला कि अपने घर के अंदर जो भी कुछ प्रोडक्ट हम आज तक बाहर के मार्केट के किसी ना किसी शॉप से परचेसिंग कर रहे थे, बस उसी प्रोडक्ट को वेसिज के शॉप से परचेसिंग करके अपने को बिजनेस की शुरुआत करनी है। तो मैंने एक चीज सोची यार, पिछले 20 साल से हम किसी ना किसी शॉप से तो प्रोडक्ट को परचेसिंग किया लेकिन आज तक अगर 1 रुपए कमाने की इनकम नहीं मिली, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे शॉप को चेंज करके अपने घर के अंदर लगने वाले 3200 रुपए के प्रोडक्ट को अगर वेस्टेज के शॉप से परचेसिंग करके अगर बिजनेस करने का मौका मिल सकता है तो शॉप को चेंज करने में क्या दिक्कत है। दोस्तों मैंने अपने शॉप को चेंज किया, यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। जब मैं इसके अंदर शुरुआत की थी मुझे अंदर से डर लग रहा था यार इसके अंदर मैं सच में काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरी भी यहाँ पे टीम बन पाएगी नहीं बन पाएगी, ऐसे बहुत सारे डाउट्स को लेके मैंने इस बिजनेस के अंदर शुरुआत की थी। लेकिन यकीन मानना दोस्तों, जैसे आप इसके अंदर स्टार्ट करते हो आपको यहाँ पे कोई भी चीज आपके बैकग्राउंड के अंदर होने की जरूरत नहीं है, आपको टीम की तरफ से इतने अच्छे पे सपोर्ट किया जाता है, इतने अच्छे पे इतने सारी चीज सिखाई जाती है जिसकी भी आपके ऊपर मैंने यहाँ पे टीम बनाना शुरू कर दिया। और जहाँ पे मेरे को डर लग रहा था मेरे दो की भी टीम बनेगी नहीं बनेगी, दोस्तों यकीन मानना उसी जगह पे मैंने दो की भी टीम बनाई, दो की चार हुई, चार की आठ हुई, आठ की 16 हुई, 50 हुई, 100 हुई, 1000 हुई, 2000 हुई और पिछले एक साल के अंदर ऑलरेडी मोर देन 5000 से भी ज्यादा की टीम यहाँ पे लीड कर पा रहा हूँ। ये सारी चीजें मेरे साथ इसलिए हैपन हुई क्योंकि उस टाइम के अंदर मैंने एक डिसीजन लिया था। और दूसरी चीज थी दोस्तों इनकम की, मैंने यहाँ पे सोचा था चलो ठीक है अगर 10,000 का भी पर मंथ इनकम आना शुरू हो जाएगा ना तो लाइफ बहुत ज्यादा शानदार हो सकती है। और इसी छोटी सी सोच को देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था और यहाँ पे कमाल की चीज ये हुई दोस्तों कि मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू 25,000 रुपीज की बनी। आपने सही सुना, 25,000 रुपीज की फर्स्ट मंथ की इनकम बनी। मैंने सोचा ये तो कॉन्सेप्ट काम करता है और पिछले एक साल के अंदर इसी लॉकडाउन के अंदर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता गया दोस्तों और हाईएस्ट इनकम इसी बिजनेस के थ्रू 93,000 रुपीज के आ चुके हैं दोस्तों। और ये सारी चीजें मेरे साथ में हैपन हुई दोस्तों, ये सारी चीजें आपके साथ भी हैपन हो सकती है, बस इसके अंदर आपको स्टार्ट करना है। और मैं यकीन मानना दोस्तों जितने भी लोग इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं ना वो इसके अंदर तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं। आपने सही सुना, जितने भी लोग इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं इसके अंदर तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं और तुरंत ज्वाइन क्यों ना करें क्योंकि मार्केट के अंदर 3,000 रुपए के अंदर कोई बिजनेस शुरू ही नहीं होता है। तो बस अपने बिजनेस की शुरुआत कीजिए, हमारी पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी, गाइड करेगी इसके अंदर आगे बढ़ने के लिए। और आप आने वाले 3 महीने के अंदर अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो तो आप भी 30,000 रुपए इनकम कमा सकते हो, आने वाले 6 महीने के अंदर आप भी यहाँ पे 50,000 रुपए कमा सकते हो और आने वाले 1 साल के अंदर आप भी यहाँ पे नियर अबाउट 1 लाख रुपीज की इनकम को ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच किरण सर कि आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। सो लास्ट पर्सन से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ जो हमारे साथ में रांची झारखंड से बिलोंग करते हैं, एनआईटी से पास आउट है, एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर मैं जॉब कर चुके हैं और उसके बाद में आज इस बिजनेस को फुल टाइम बिल्ड कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों के साथ में स्वागत करना चाहूंगा अखिलेश गुप्ता जी फ्रॉम रांची झारखंड। अखिलेश जी, ओवर टू यू। यस, ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अखिलेश गुप्ता है, बेसिकली बिलोंग करता हूँ झारखंड रांची से, बाय क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और एनआईटी का स्टूडेंट रहा हूँ। और इंडिया के दो बड़ी बड़ी कंपनी मैंने जॉब किया है, 18 मंथ मैंने जॉब किया टाटा के साथ, दूसरा मैंने जॉब किया फ्लिपकार्ट के साथ। और आज से बिल्कुल 9 मंथ पहले, सोशल मीडिया के थ्रू वेबिनार से मैं कनेक्ट हुआ था। वेबिनार देखने के बाद मैंने सिंपल रियलाइज किया कि जो अचीवमेंट, जो सक्सेस मैं जॉब में 20 साल में लूंगा, यही अचीवमेंट यहाँ पे लोग 1 से 1.5 साल के अंदर अचीव कर चुके हैं। इस काम को मैंने यही सोच के ग्रोथ को देखिए, इस काम को मैंने ओनली फॉर 3200 रुपए के शॉपिंग से इस काम को स्टार्ट किया, ओनली फॉर 10,000-15,000 कमाने के मोटिव से आया था और लास्ट मंथ का मेरा पे आउट 31,000 से ऊपर करा है। मेरा एज ओनली फॉर 22 साल है और मैं अपने फैमिली का पहला ऐसा पर्सन हूँ जो अपने आपको 7 लाख की कार, स्विफ्ट कार अपने आपको बुक करके आया हूँ जिसकी डिलीवरी 14 जुलाई को होने वाली है। सो मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ कि ये जो सिस्टम है आपके सपने को पूरा करने में आपका हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। सो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू सर। थैंक यू सो मच अखिलेश जी। और जाते जाते सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि दोस्तों अभी आपके पास में मौका है कि आज आप शुरुआत करो। देखो सिंपल बात है यार, आज से पहले मुझे एक चीज समझ में आती है, जो आज तक करते आए थे वही करोगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया था। अमित सर के एक दो सवाल थे, मैं उसको ये करना चाहूंगा, सॉल्व आउट करना चाहूंगा। इट्स नेसेसरी टू बाय 3000 रुपीज प्रोडक्ट, यस, ऐसा कोई वेस्टेज की तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है कि आप 3000 का प्रोडक्ट करके ही शुरुआत कर सकते हैं, बट मेरी टीम के अंदर में, हमारी टीएसएस के अंदर में, हमारी तरफ से एक छोटा सा कल्चर हमने लगाया कि 3000 रुपए देके अगर कोई पर्सन जैसे शुरुआत करता है तो उसके
पास में एक बिजनेस शुरू करने की फीलिंग्स होती है, नहीं तो इंडिया वाले हैं फ्री में मिली हुई चीज को कैसे फेंकते, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक इंसान जब अंदर आए तो वो कुछ ना कुछ दे के आए, अगर वो कुछ दे के आता है तो शायद वो कुछ लेने के इरादे से आता है, और मुझे लगता है कि ये सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज आपने मुझे आपसे पूछी थी, मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ, एंड दैट इज विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के साथ में आप शुरुआत कर सकते हो, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ में आप बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जाते जाते सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने 19, 20, 21, 22 साल के बच्चों ने बहुत सारी इनकम के बारे में बात करी, मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आज आपके पास में और मेरे पास में मौका है डिसीजन लेने का, क्योंकि जिस जगह पे आप बैठे हो आपका एक डिसीजन है, जो कपड़े आपने पहने हैं वो आपका एक डिसीजन है, जिस सुबह जो खाना खाया वो आपका एक डिसीजन है, जिस लाइफस्टाइल को आप जी रहे हो वो आपका एक डिसीजन है, आपके आजू बाजू में जो भी चीजें हैं वो आपका एक डिसीजन है, और सबसे अच्छी बात है ह्यूमन कैन चेंज द डिसीजन, ह्यूमन कैन चेंज द डिसीजन, आप एक डिसीजन लेके डिसीजन से चेंज कर सकते हो। मेरे को मौका मिला था से 13 महीने पहले इस बिजनेस को देखने का दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपीज मुझे पिछले एक साल के अंदर में, 50 लाख रुपए, यस आपने सही सुना, 50 लाख रुपए मुझे इस बिजनेस के अंदर में आए, और यस आज बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ में जिन लोगों को एक बहुत अच्छी अर्निंग आ रही है, मैं अर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट है जो आप डेवलप हो रहे हैं एवरी डे, अपने आपके स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं और अपने आप को डेवलप करते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर में आई है हम और आप इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाते हैं। अगर अभी भी आपके पास में कुछ सवाल है तो जिस दोस्त ने आपको बुलाया था उसके साथ में जरूर कनेक्ट करिएगा और वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस बिजनेस को लॉग इन करना है, साइन अप करना है, और अगर अभी भी आपके पास में कुछ सवाल है तो आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम हैंडल पर कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर किरणगढ़ ऑफिशियल के अंदर में आप और हम जिसकी लिंक मैंने आपको ऑलरेडी चैट के अंदर में डाली हुई है, अब वहां पे आपका जो भी सवाल है छोटा मोटा पूछ सकते हैं, वहां पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी फ्रॉम माय मिडिल क्लास टू मिलियनेयर तक देखने का मौका मिल जाएगा।